अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा था, जुम्मतुल विदा, वो भी गुजर गया। लेकिन एक हादसा ऐसा हुआ जिसने आप सबको, मुझे, मेरी पूरी बोल फैमिली को बहुत अफसरदा कर दिया। हमारी दुआएं हैं कि जो लोग सर्वाइवर्स हैं, जो लोग बच गए हैं, अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उन्हें सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए, और जो लोग शहीद हो गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। लेकिन इस हादसे ने एक और चीज़ मुझे सिखाई, वो ये कि ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, शायद सबसे बड़ी नेमत है। इसलिए हालात कैसे भी हों इंसान के, ज़िंदगी का और बाकी सारी ब्लेसिंग्स का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला से। ये हादसा तो ज़िंदगी का हिस्सा है ही, लेकिन ये बाज़ुकात आपके लिए आई ओपनर्स भी होते हैं। तो बस हमारी दुआ है कि जो लोग सरवाइव कर गए हैं, जो लोग बच गए हैं, अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उन्हें सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए, और जो लोग शहीद हो गए हैं, क्योंकि हादसाती मौत है तो वो शहादत में शुमार होती है, तो अल्लाह ताला उन सब की मगफिरत फरमाए, आमीन। आइए जी, आज का दूसरा सेमीफाइनल है हमारा, शुरू करते हैं। कल का पहला सेमीफाइनल था जो कराची जीत गई थी, आज बहुत ही कांटेदार मुकाबला है, इस्लामाबाद की करो, लाहौर लेपर्ड्स और क्वेटा वुल्व्स, दोनों टीम्स टक्कर की टीम्स हैं, दोनों मेरे हिसाब से फाइनलिस्ट हैं। लेकिन मैं देखना ही चाहूँगा कि इनमें से वाकई कौन डिजर्विंग है जो फाइनल खेल सके, और हम देने जा रहे हैं पाकिस्तान को पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इनाम। हो सकता है इनमें से कोई एक टीम हो जो ये इनाम ले जाए। आइए बुलाते हैं सबसे पहले लाहौर लेपर्ड्स के कैप्टन है हमारे एहसन खान, आइए। वेलकम ब्रो एहसन, वेलकम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? फाइनली आप लोग सेमीफाइनल खेल रहे हैं। ओह हाँ यार, ये तो बस अब मुझे लग रहा था हम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन नहीं नहीं, आपकी टीम बहुत ही जानदार थी, जबरदस्त टीम थी। हाँ। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, बहुत ही बैलेंस टीम है आपकी, आपके प्लेयर्स, आप खुद सब मिला के बहुत ही कमाल टीम है मेरे हिसाब से। थैंक यू यार, बट आई फील दैट जो क्वेटा की टीम है दैट्स आल्सो वंडरफुल टीम, आपको टक्कर देने के लिए रेडी है। अच्छा खेलते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए इसी बहाने में जल्दी से बुलाऊंगा क्वेटा वुल्व्स की कैप्टन हमारे साथ है मतीरा, आइए। वेलकम मतीरा। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज आइए। सो फाइनली गाइस, आप लोग सेमीफाइनल में टकराने लगे हैं दोनों, ब्लैक एंड व्हाइट, क्या बात है, ऑपोजिट्स, टू ऑपोजिट्स, और मैं ब्राउन, बताइए। खैर, आज मुकाबला है आप दोनों का जी, आपकी टीम भी बहुत अच्छी है, उसी तरह इनकी टीम भी बहुत ही जबरदस्त है। हाँ। आज का जो सेमीफाइनल है वो बहुत ही कांटेदार होने वाला है, लेकिन आज एक अजीब सी बात हुई, आप लोगों ने नोटिस की क्या? आज हमारे दोनों कैप्टन जो हैं वो टाइम पर आए, ये बच्चे कहीं गायब हैं, अभी आए तो आप कान खींचिएगा, ये लोग वो एक बच्चे ने तो अपनी पांव तोड़ दिए सिद्रा, हाँ वो कट लगाए। अच्छा, मैंने कहा हाँ। तोड़ दिया आप, मैं क्यों तोड़ू? आप वैसे ही डरा देती हैं आदमी को, पांव तोड़ दिए, चोट लग गई, चोट लग गई। चलिए मैं जल्दी से बुलाता हूँ आपके दोनों प्लेयर्स को, लाहौर लेपर्ड्स के दोनों प्लेयर्स बासित और तुबा, आइए। मतलब के कैप्टन आ गए, आप लोग कहाँ थे भाई? आज लग रहा है कैप्टन ने ज्यादा तैयारी की हुई है, आज कैप्टन ज्यादा एनर्जी तो यही लग रहा है, खतरनाक लग रहा है कैप्टन तो, कैप्टन तो स्मार्ट आदमी यार, ऐसी नहीं तैयारी मतलब जिताने में खुद कुछ, वो जो एक गेम था ना इतना मुश्किल वाला गेम। नहीं दानिश, मैं आप यकीन करें आज तो बिल्कुल मैं जो है वो गेम के मूड में नहीं, मैं शो से आया हूं और वो बस वहां से भाग के सीधा आपके पास आया हूं यार, ये सबको पता है, एक कमिटमेंट एंड रिस्पांसिबिलिटी है, तो हम पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आपके प्लेयर्स का है, दोनों रेडी हैं, आइए भाई जल्दी से सिद्रा और मीर, क्वेटा वुल्व्स के प्लेयर्स। भाई मेरे सुनने में आया कि आपने लेट करवाया मीर सबको। हाँ आज लेट हो गया था, नहीं मैं क्यों? लेट तो ये लोग नहीं हुए, आपकी वजह से हुए, क्या कर रहे थे भाई? नहीं मेरी वजह से नहीं, मतलब हर सब की वजह से सो रहे थे तुम, सबकी वजह से, सबकी वजह से तुम लेट हुए, इस्तेमाई लेट हुए ये लोग, सब इस्तेमाई लेट हुए, सब इस्तेमाई लेट हुए। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है, बैठिए, याद रहे पहली फाइनलिस्ट टीम है कराची
लाइट्स की। आज जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल खेलेगी कराची के साथ। कराची पहुंच गया। आप लोग ट्रेन में आ रहे हो, जहाज से पहुंच गया। खैर अभी आपके पास चांस है, आज इनको हराइए और आप भी पहुंच जाइए। लाइए जल्दी से पहला गेम खेलेंगे जी, टॉस करेंगे, देखते हैं पहला गेम क्या है। ऐसा साहब आप बताइएगा, पहले आपसे टॉस होगा जी। हेड्स टेल्स, चांद छुप गया बादलों में जी। टॉस आप लोग जीते हैं इसलिए पहले गेम के लिए आप लोग आएंगे। गाइस एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज मैंने बताया था आपको कि हमारा फॉर्मेट जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। दोनों सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के जो हमारा आखिरी गेम है गेम चेंजर, वो अब 5 पॉइंट्स का नहीं है, वो है पूरे 10 पॉइंट्स का। थैंक यू। अगर दोनों टीम्स के दरमियान पॉइंट्स का गैप 10 का भी हो गया, 10 पॉइंट्स का, तब भी दूसरी टीम जीत सकती है। दानिश से व्हाट इफ जी बैलेंस हो गया, टॉस करेंगे तो टॉस पर होगा, टॉस पर खेलेंगे गेम चेंजर। और एक बात बताऊं, ये इतनी इंटेलिजेंट है, ये हमेशा गेम चेंजर जब भी जीतती हैं ये कहती हैं सामने वालों को खिला दो। उससे होता क्या है, आप लोगों के पास होता है एक चांस, एक ब्रीफ केस है, इनके पास आते हैं 4 चांस और टेंशन भी नहीं होती चलिए जी शुरू करते हैं आज का पहला गेम जो है गोल गोल चक्कर पे चक्कर। टॉस आ रहे हैं और चैंपियन ही भाई रेडी होता है हमेशा। इस गेम में इसको हराना बड़ा मुश्किल है, बहुत तेज चक्कर लगाने पड़ते हैं। रेडी गो, 1 2 3 चलो 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 चलो, 1 2 3 दुनिया झूमी है, ये दुनिया झूमी है, अंबर नाचती घूम रही है, ये दुनिया झूमी है, ये दुनिया झूमी है, अंबर अपना भी रिकॉर्ड तोड़ा है, 6 स्कोर किया है आज। वेल डन और लेपर्ड, बहुत आला यार, जबरदस्त बासित। मैं ये जानता हूँ ये गेम सबसे मुश्किल है और तुम सबसे अच्छा खेलते हो यार, ये बहुत आला। आइए जी टक्कर देने, इसका राज क्या है, मतलब इसके पीछे राज क्या है, इसको चक्कर नहीं आते, यही ना, चक्कर क्यों नहीं आते, चक्कर ये कर, नहीं नहीं आते तुम्हें चक्कर, चक्कर अगर देखना है ना, चक्कर आते हैं बिलाल को, आते हैं बिलाल, बहुत कोशिश करता है गिरने की, बचने की, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो 4 स्कोर कर जाता है बिलाल। चलिए जी मीर की बारी है, हमारे मीर भी कहीं पीछे नहीं है। तुम्हें एक चीज बता दूं मैं, आज ये नॉर्मल मैच नहीं है, आज जीतोगे तो फाइनल में जाओगे, बहुत बड़ा इनाम है फाइनल में यार, फाइनल पर हमको जाना है, सब लगा देना, बस हार नहीं माननी आज। अरे रेडी गो, 1 2 3 भाई, वेल ट्राइड, फिर भी 5.5 स्कोर कर दिया मीर ने, लेकिन ये 1 पॉइंट जीता है आज लाहौर लेपर्ड्स ने गाइस, बहुत आलम अभी तक सांस आ रहा है।
एक पॉइंट जाएगा आपके साथ, अभी तक आपके पॉइंट्स हैं जीरो। कोई बात नहीं, आइए जल्दी से दूसरा गेम खेलेंगे, जल्दी से लेकर आइए। इस गेम के दो पॉइंट्स ना, हाँ शुरू में हमें डिसाइड करना चाहिए था, बिल्कुल सही बात, सबसे मुश्किल गेम है ये। आइए जी बारी आप लोगों की, बता दें अभी क्या है ये, बताइए। हेड या टेल्स? टेल्स। टेल्स इट इज, टॉस आप लोग जीते हैं, आपकी टीम से कोई आएगा गेम में। कोई बात नहीं, एक दिन मैं सिर्फ टॉस जीत रही थी, इसके अलावा और कुछ नहीं जीता मैंने लेकिन आज जीतना बहुत जरूरी है आपका। जी बिल्कुल, अगर आप हारे यार ये बकायदा घर जाएंगे आप लोग। ये बहुत मुश्किल वाला होता है, इसको गोल करना, इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक जो है वो आपको खेलते खेलते आएगी। बाकी इसकी ट्रिक है क्या? नहीं यार तो मुश्किल है यही ना, बकायदा मुश्किल है यार ये, इतना मुश्किल। आइए कौन आएगा आपकी टीम? ट्रिक क्या है दानिश? यार वैसे मैं नहीं खेल रहा। करे करे, ट्राई करे, ट्राई करे। क्या किया दानिश, क्या किया? ले जाइए बस, ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए। नहीं जा रहा यार, बॉल को थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा मुझे लगता है। क्या करना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा सा। चिंगम चिपका सकते हैं इसके अंदर? नहीं मुश्किल है, मुश्किल है ये यार। कौन आएगा आपकी टीम से? कौन आएगा उसे? आप आओगे यार? क्या हो गया? करे करे करे। मेरा सर ही घूम जाएगा। क्या है ये यार? है ना ये क्या है? ये तो गेम है, बहुत मुश्किल है। You look like an angel, I look like the devil. इसका मतलब है बस बसा हार जाओ। हर एक बंदे के लिए एक एक करेंगे आप, गेम के बाद बताऊंगा। चलो रेडी गाइस, कौन है? रेडी गो। चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, और कोई हल नहीं। सही और आप खेलेंगे ये गेम या ऐसी ट्राई कर रही है? मजा ले रही हूँ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। चलिए रेडी गो, एक मिनट रेडी। मीरा है या मीर और बासित के बीच में हो रहा है, है ना? आज का मैच तो मीर और बासित के बीच में हो रहा है यार। रेडी रेडी गो। नंबर है इसके? नहीं, इसका अगर आप खेलते हो और जीते तो दो पॉइंट देता, लेकिन एक पॉइंट जीता है फिर से लाहौर लेपर्स की तरफ से अब्दुल बासित ने। वेल डन बासित, बासित खेल रहा है आज सही सेमीफाइनल भाई, ये बता दूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम कमबैक कैसा करते हैं बताएं। हां ये तो है, कमबैक करते हैं ना, तेजी से भागते हुए आते हैं लोग। लाहौर नेक्स्ट गेम, नेक्स्ट गेम जल्दी से गाइस, क्या है हमारे पास नेक्स्ट गेम लेकर आइए। नेक्स्ट गेम का नाम है टिक टैक टो। यार तुम्हारा ये दोस्त है, बंदा थोड़ा सा तो हल्का हाथ कर लेता है। कजन है इसका, कजन कजन है। अच्छा जी, खून खून में क्या हो गया? आप लोगों ने बचपन में खेला होगा जरूर। मीरा भतीरा जी, जी आपने डायगोनल, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक कलर की लाइंस बनानी है।
वो कोई से भी वहाँ क्वेश्चंस रखे हुए हैं, उनमें से किसी भी एक की लाइंस बनानी और साथ साथ दूसरे प्लेयर को रोकना भी है। ये है दो पॉइंट का गेम, ये है अब्दुल बासित वर्सेज मीर जंगी, सिद्रा वर्सेज तूबा। आइए जी बताता हूँ करना क्या, जल्दी से लेके जाइए वहां पर। बेहतरीन, ये क्वेश्चन वहां रखे हुए होंगे, एक प्लेयर वहां खड़े होंगे, एक प्लेयर यहां खड़े होंगे। यहां वाले प्लेयर कहां गए? आओ बुलाइए जल्दी से, थोड़ा करीब लाओ, तुम बहुत दूर चले गए हो। मैं बोलूंगा रेडी गो, आप लोगों ने भाग के आना है। एक एक राउंड में एक दूसरे को रोकना भी है और अपनी लाइन। अब देखें, इसने गलती की, जीत गया वो, जीत गया वो, उन्होंने लाइन बना ली डायगोनल। इस तरह आइए, पहले आप आएंगे। अच्छा चलो, तुम रेस्ट करो, आओ तूबा सिद्रा रेडी। आज थोड़ा पीछे करो, थोड़ा पीछे करो, बस बेहतरीन। रेडी हो? रेडी गो। जीत गए, तुमने फेंका, बाहर चला गया, बाहर चला गया। ओ हो, ये एक पॉइंट आज तूबा ने लॉर्ड नंबर कर लिया। आइए जी, आइए बासित साहब, बासित वर्सेस मीर। रेडी हो गाइस, एक दूसरे को रोकना भी है। वापस रख दो क्वेश्चन, जब बोलूंगा रेडी गो उसके बाद क्वेश्चन वापस। वापस सुने, आप आज की जीत आपके नाम। चलो अभी चले फिर वापस। वापस वापस वापस, रेडी गो। खाली था वो, यही मैं बोल रही थी, खाली था यार। ओ जी हाँ, ये पॉइंट भी किया लॉर्ड लेपर्ड के साथ। इस तरह एक नहीं, दोनों पॉइंट जाएंगे लॉर्ड लेपर्ड के साथ। वेल डन गाइस, स्कोर कार्ड दिखाइएगा मुझे जल्दी से। मैं तेरा हैंड सैनिटाइजर लेने आ रहा हूँ, तुम ये मत समझना मैं कुछ। मुझे स्कोर कार्ड दिखाइएगा प्लीज। जनाब लाहौर लेपर्ड्स के इस वक्त 4 पॉइंट्स और आप लोग 0 पर है। क्वेटा वालों, घर चले जाओगे, सेमीफाइनल है, डू एंड डाई है। तो रहे हैं, पता नहीं है सो रहे हैं क्या हो गया। नहीं, इनको ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, जीतने का लेवल वहां पर है। जो वो लोग कर रहे हैं वो जीत को, जीत के लेवल जो स्टैंडर्ड है वहां तक जा रहे हैं। तुम लोग नहीं जा पा रहे हो, नहीं पहुंच पा रहे हो। चलो लाओ भाई नेक्स्ट गेम जल्दी से। नेक्स्ट गेम क्या है, जल्दी से लेकर आइए। आज का गेम तो बासित और तूबा, ये इन दोनों का गेम है भाई। ये पक्के फाइनलिस्ट लग रहे हैं मुझे, ऑनेस्टली। कोई कमाल, जबरदस्त, जिस पैशन से खेल रहे हैं और जीत रहे हैं ना ये लोग। आइए जल्दी से, आइए जल्दी से आइए। ओके, ये गेम आप लोगों ने खेला हुआ है, इसमें आपको बॉटल को स्विप करना है। बॉटल आके गिरेगी स्ट्रेट, जब आएगी तो एक स्कोर काउंट होगा और ये बड़ी वाली बॉटल उसके अकॉर्डिंगली मूव होगी। लाइए जी, पहले ट्राई भी कर लेना, जल्दी से आइए। बॉटल फ्लिप करेंगे। इस गेम में तो मतीरा की टीम बहुत अच्छी है यार, लास्ट टाइम और पहले भी मैंने देखा कि हमेशा दे विन इन दिस गेम। हाँ, मीर भी अच्छा खेलते हैं और सिद्रा भी अच्छा खेलते हैं। दो पॉइंट का गेम है गाइस, आपके पास पूरा मौका है दो पॉइंट जीतने का। पहले आएंगी सिद्रा वर्सेस तूबा, आइए। चलिए रेडी, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस एक बार दीजिए। चलिए जी रेडी, रेडी गो। भाई ये लोग तो छोड़ ही नहीं रहे आज, और ये पॉइंट भी जीते तूबा ने लाहौर लेपर्ड्स के लिए। वेल डन तूबा। अब मुकाबला है मीर का बासित से। बासित रेडी हो? मीर रेडी, रेडी गो।
कह देना आंखों से समझ लेना बातों इसे कहते हैं बॉस बहुत आला जनाब आज बासित और तूबा नहीं छोड़ेंगे किसी को नहीं छोड़ेंगे मैं आपको एक बात बताऊं असल मायने में मैं श्योरिटी से कह सकता हूं ये दोनों प्लेयर्स प्रैक्टिस भी करते हैं तुम लोग इस गेम की प्रैक्टिस करते हो एक दिन किया था इनकी अब जिस लेवल पे ये लोग खेल रहे हैं ना वो बता रहा है कि ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ये गेम्स जो तुम लोग रोज खेल रहे थे तुम्हारे पास टाइम था तुम लोग घर में प्रैक्टिस कर सकते थे गाइस खैर ये दो पॉइंट्स के साथ लाहौर लेपर्ड्स है पूरे 6 पॉइंट्स पर और क्वेटा वाले अपना अकाउंट भी नहीं खोला है अभी तक 0 पॉइंट्स है लाइए नेक्स्ट गेम लाइए जी लाइए एक गेम और पोटली चलिए आइए आइए जी ये गेम तो ऐसे खुद खेलते हैं हालांकि मुझे आता नहीं है लेकिन आप फिर भी अच्छा खेल ट्राई कर लेता हूं चलिए आइए एक मिनट का टाइम होगा दे वेरी गुड एट दिस गेम एक मिनट टॉस ऐसा नहीं ओह सॉरी यार मैंने कहा पहले खेल लेता हूँ यार उनको चांस देते हैं हम अगर आप खेलना चाहे तो खेल लें चलिए टॉस कर लेते हैं आइए खेलो इनका टर्न था चौथा गेम में आपकी टर्न है मेरा टर्न फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बताइए टेल्स इट इज टॉस आप लोग जीते आइए सर चलिए जी एक मिनट का टाइम है आपके पास रेडी गो तुम्हारे कहो एक दिन हमारे कहो एक दिन के जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है कहो एक दिन एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह स्कोर किया है जी हसन ने आइए जी आपकी टीम से कौन आएगा 12 चलिए मथीरा जी आई है कैप्टन इनिंग खेलने के लिए अगर ये जीतती है तो 2 पॉइंट जीतेंगी 13 स्कोर करना है आपने मथीरा तो इसमें माहिर है यार हाँ जी मथीरा सही है नहीं मास्टर है मास्टर आज मेरी एनर्जी डाउन है आज ही तो आपकी अपोनी चाहिए थी आप सोचिए आज सेमीफाइनल है रेडी गाइस रेडी गो टाइम अप 4 5 6 7 8 9 10 अच्छा एक टाइम अप की बात नहीं 10 हो गए था इनकी तो 12 थे खैर एक चीज और जहां पर देखती थी ना दो तीन नहीं जा रहे तो ये गुस्से में जोर से गुस्सा आ रहा था मेरा को तेरे जी गुस्सा आ रहा था आपको इस तो और क्या अंडे पर बैठे हुए गुस्सा ही आएगा ना कौन बैठा है हम अंडे पर बैठे हुए अंडे पर बैठे हुए जीरो हां अच्छा वो वाला हां वो अंडा भाइयों क्या कर रहे हो तुम लोग कोई पॉइंट नहीं चाहिए क्या ऐसे ही जीत जाएंगे लोग चलिए जी आज की ग्रैंड पोटली याद रहे 3 पॉइंट्स का गेम है टॉस किया जाएगा जो टीम टॉस जीतेगी वो सबसे पहले गार में जाएगी और अपनी पसंद की 3 पोटलियां लेकर आएगी 9 पोटलियों में से उसके बाद दूसरी टीम जाएगी उसके लिए 6 पोटलियां ही बचेंगी आइए टॉस करते हैं और देखते हैं कि आज कौन जीता टॉस बताइए टेल्स
चांद छुपा बादल में। जी आप लोग टॉस जीते हैं, आप लोग पहले जाएंगे। आइए हेड आए, आइए क्वेटा वुल्व्स जल्दी से। आइए जल्दी से बोलिए, माइक माइक बोल जा सिम सिम, माइक में माइक में जोर से। ये जी आप खुल गया आपके लिए। हाँ अब और क्या करना है। जी क्या नंबर है? नंबर वन। उसके बाद सिद्रा गई है लेने। सिद्रा सोच समझ के जल्दी से। सिद्रा अंदर ही रह गए हो आप, फिर क्या सोच रही हो? हाँ जी, खोपड़ी आपको दिख रही है, आप खोपड़ी को देख रही हो। जल्दी लिया बेटा, कोई सी भी जल्दी से चाय दे दो यार। नंबर सिक्स। ओके नंबर वन नंबर सिक्स और नंबर सेवन। 167 आइए एहसन आपकी टीम के साथ। बासित तूबा एंड एहसन आइए, बिहार आपका इंतजार कर रहा है। कोई भी तीन पोटियां ले आइए। बासित खुलवाइए। कौन सा गाना गेम है? पानी तो दे दो। चलिए जी माना के आपके पास ऑप्शंस कम है, लेकिन फिर भी किस्मत कहाँ ऑप्शंस को देखती है। अगर किस्मत चमकती भी हो तो इसमें भी 10-10 लाख निकलते हैं। जाइए तूबा, सही नहीं है। जल्दी से कोई भी एक पोटी ले आइए। जाइए अब्दुल बासित, मुझसे पूछिए 5 डालूं 2 की मर्जी है यार। अच्छा बासित तो डालिए 5 2। ओके यार जो पहले टीम जाती है ना वो हमेशा जीती है, इसमें मैं अफसरदा हो जाता। ऐसी कोई बात नहीं, हम पहली टीम है जिसने सिर्फ ट्रेन लगाई थी माइनसों की। ऐसा हुआ? हाँ वो भी जब मैं ही था उसी। हाँ नहीं नहीं आप नहीं थे। अच्छा नहीं नहीं आप नहीं थे, ये नहीं थे। -8 -9 निकला था मेरे होते वक्त। हाँ माइनस तो निकला था वो मेरा। चलिए जी शुरू करते हैं आज की पोटी गाइस। गेम तो आप लोग जीते नहीं है, हो सकता है किस्मत ही आप लोगों के साथ हो और ये पोटली आप लोग जीते और 3 पॉइंट जीत जाए। लेकिन अगर ये भी हारे तो ये टीम बहुत आगे जाएगी आप लोगों से। 10+ पॉइंट हो जाएंगे। आज हम अंडो का भी ना अंडो रिकॉर्ड बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है आज आपके साथ। सबसे पहले मंगाऊंगा मैं सिद्रा की पोटली, लेकर आइएगा जी। सिद्रा लेकर आई है आज पोटली नंबर 6। सिद्रा ये 6 नंबर लाने की कोई खास वजह? वैसे जस्ट अ ट्राई। ऑरेंज आपका फेवरेट कलर तो नहीं है? No. तो जैसे ले आएंगे। गई आपको नजर आया? मुझे लग रही थी कि कुछ अच्छी है। क्यों, ऐसा क्या था इसके अंदर? डिफरेंट लग रही थी। साफ सुथरी थी इसलिए तो नहीं? डिफरेंट लग रही थी थोड़ी। डिफरेंट लग रही थी सिद्रा ने कहा। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 6 नंबर पोटली आज किस टीम के लिए खुशखबरी लेकर आई है। जब पूरी लीग में ट्राई नहीं किया बेटे तो फिर आज क्यों ले आई तुम नंबर 6? हाय सबसे बड़ा अमाउंट किस पोल्टी में निकला था? पता नहीं अभी तक का। ये जीता नहीं तो क्यों नहीं लाई? एट तुम्हारे पास ऑप्शन थे सारे, लेकिन पहले गए। जब एक चीज तुमने ट्राई की हुई है तो वो सोचना चाहिए ना। सेमीफाइनल है, इम्पोर्टेंट है हर अमाउंट, बड़ा अमाउंट लाना। इसी तरह माइनस निकल गया तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे यार। मतलब कुछ अच्छा ही बोल दो हमारे लिए। माइनसों में चल रहे लेकर कौन आया? फिर कर्जदार भी हो जाएंगे हम। लेकर आया मैं, हमारा हाल पाकिस्तान वालों। आप ही तो लेकर आई है। और मजे की बात है आप लोग पहले गई थी घर के अंदर, फिर भी 6 नंबर लेकर आई, सिर्फ इस वजह से की अच्छी लग रही थी तुम्हें। चलो अब मैं बताता हूँ ये कितनी अच्छी, मुझे वैसी बुरी एंजाइटी है और आप नेक्स्ट लेवल ले जा रहे हैं। आज तुम लोगों का जो ना एनर्जी लेवल भी डाउन लग रहा है मुझे, फॉर सम रीजन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तबीयत आज बहुत अजीब हुई है। हां तबीयत अजीब, फीलिंग वेल। अच्छा लेकिन बच्चों देखो ये टीम, दे आर फीलिंग टू मच वेल, दे आर टू वेल। हर चीज से इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए ये है कि तुमने आज का मैच जीता। हां सही है। चलिए मैं जल्दी से दिखाता हूं आपको कि ये 6 नंबर पोटली आज क्वेटा वुल्व्स के लिए कितना कर्जा लेकर आई है। याद रहे आज से पहले जब क्वेटा वुल्व्स ये पोटली वाला गेम खेलने आई थी तो सिद्रा की पोटली में -9 लाख निकल आया था, वहीं मीर की पोटली में निकला था -8 लाख। लेकिन जो आज हुआ है
पता नहीं इससे पहले सिद्रा के साथ हुआ है या नहीं, -12 लाख भी था आज, -12 लाख और -10 लाख दोनों अमाउंट शामिल है आज के गेम में। और सिद्रा आज तुम्हें ये 6 नंबर पोटली नहीं रास आए। किसने कहा नहीं रास आए? मैंने कब बोला? आप कर लें ये शो, आइए आप ही कर लें भाई। यार इतना हम हार रहे हैं और क्या, जीत की क्या करें? मैं एक बात बताइए, गया कौन पहले घर के अंदर? तो गए हम एक्सरे वाले चश्मों के साथ, थोड़ी गए थे भाई। लेकिन ऑप्शन तो आपके पास थे। किस्मत नहीं चल रही हमारे साथ। इतनी डीमोटिवेटेड बातें नहीं करते पहले से, डीमोटिवेटेड टीम मेंबर्स के लिए भी। अभी तो सिर्फ 6 या 7 स्कोर, वो क्या गाइस हम जीतेंगे, जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। मैं आपको थोड़ा सा, अल्लाह ना करे, लेकिन मोटिवेट कर देता हूँ सिद्रा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक बड़ा अमाउंट चाहिए था और तुम लेकर आ गई आज पोटली नंबर 6 क्वेटा वुल्व्स। आपको 7 लाख बहुत बहुत मुबारक। शुक्र शुक्र 7 लाख रुपए लेकर आई है जी सिद्रा 6 नंबर पोटली में। वाह भाई वाह, जबरदस्त। इसी तरह अब बारी है तूबा की पोटली। अच्छा, एक चीज दानिश जी, तूबा और बासित अपनी पोटलियां बदल ली आपस में? बदल ली है, बिकॉज़ तूबा ने कहा येलो कलर मेरा कलर है तो वो मुझे। चलिए एक ही टीम के पास थी ना, कोई बात नहीं है, लाइए। नंबर 5 लेकर आए थे अब्दुल बासित, लेकिन उन्होंने आपस में स्वाप कर ली है पोटलियां। अब 2 आ गया है बासित के पास और 5 जो अब्दुल बासित का था वो चला गया तूबा के पास। तूबा क्या लगता है, क्या इस पोटली में माइनस नहीं होगा? कुछ अच्छा भी नहीं होगा, मतलब बड़ा नहीं होगा, छोटा सा होगा। क्या कह रही हो, एक चीज बताओ ना। अमाउंट होगा कोई छोटा अमाउंट है? 1 लाख या अमाउंट भी बोलो, 5 लाख छोटा अमाउंट क्या है? 4-5 क्या मतलब है? नहीं 4-5 कह रही छोटा अमाउंट होगा, 4 कह रही, 4-5 लाख छोटा अमाउंट है, मतलब 10 से तो छोटा है ना? नहीं तो 10 तो सबसे बड़ा अमाउंट है बेटे। तो अच्छा एक चीज, अगर इसमें आज माइनस निकल आता है फिर वो मेरी किस्मत। बस यही सुनना चाह रहा था मैं। बासित क्या लगता है तुम्हें? 5 लाख 5 लाख रुपए है, ठीक है। हाँ भाई सित्रा तुम्हें क्या लगता है? 3 to 6 के बिटवीन कुछ प्लस। यस मीर माइनस में होगा कुछ। कितना छोटा बड़ा? 1-2 लाख -2 लाख कह रहे हो आप। चलिए मैं जल्दी से देखता हूँ ये 5 नंबर पोटली जो बासित लेकर आए थे लेकिन तूबा ने ले ली। और अच्छा वाह तूबा जबरदस्त, 5 नंबर पोटली आपने एक्सचेंज कर ली। क्या वजह थी एक्सचेंज करने की? येलो कलर मेरा फेवरेट है, बस ये वजह थी। नंबर 5 आपका लकी नंबर तो नहीं है ना? बासित तुम्हारा लकी नंबर 5 है? 3 है। 3 क्यों नहीं लाए? क्योंकि हमेशा लकी नंबर लक नहीं देते। अच्छा मेरी वाली बात है, सब सीख रहे हैं। तो तुमने 2 नंबर क्यों रखा फिर अपने पास? तो एक छोटा सोचा मैंने, शायद लकी से तो चेंज कर दूं तो लकी नंबर से। तो तुम एक बड़ा भी सोच सकते थे, 4 नंबर ले आता हूं लकी से एक बड़ा। नहीं 4 नंबर में मुझे नहीं लगता आज कुछ है। चलो जैसे इनको लगता है कि इनकी पोटलियों में सारे बड़े नाम होंगे, इस तरह आप लोगों को भी ऐसे ही लगता होगा कि आपकी पोटली में बड़े नाम होंगे, लेकिन होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। और तूबा तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, 5 नंबर पोटली तुमने एक्सचेंज कर ली। चलो माना कि तुमने एक्सचेंज की है, थी तुम्हारी पोटली नंबर 2। अब ये जो अमाउंट है ये बेसिकली है बासित की किस्मत का, क्योंकि इस गार से पोटली ये बासित लेकर आए थे, इसलिए मैं तुम्हें कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। सही है, 2 नंबर पोटली में भी अगर, मेरा मतलब है 2 नंबर पोटली में अगर कोई माइनस का अमाउंट निकला मैं भी माइनस, तो फिर मैं तुम्हें बोलूंगा, फिर मैं तुम्हें बोलूंगा। बोल अब इसमें जो कुछ निकला है उसकी जिम्मेदारी है मुझे अब्दुल बासित। ये गेम जो बाद में जीतता है वो हार जाता है, जो बाद में अंदर जाता है, क्योंकि वो ऑप्शंस कम होते हैं यार, तो आई थिंक अक्सर इसी तरह होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे नसीब वाले होते हैं जिनको जरूरत नहीं होती यार, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन हो सकता है आज हो जाए, देखते हैं। आइए जी मैं बताता हूँ, तूबा की पोटली 5 नंबर जब मैंने ओपन की ये वही पोटली है जो बासित लेकर आए थे अपनी टीम लाहौर लेपर्ड्स के लिए, इसलिए मैं तूबा को कुछ नहीं कहूंगा, इसकी जिम्मेदारी है पूरी अब्दुल बासित की। अरे 6 लाख प्लस में यार, 6 लाख नंबर 5 पोटली में 6 लाख रुपए निकले हैं। अगर इसमें कम निकलता ब्लेम तूबा पे जाता। नहीं जो पोटली घर से लेकर आता है ये पोटली उसकी, आपस में एक्सचेंज कर लिए, टीम एक ही है इसलिए कोई बात नहीं। चलिए लाइए जी मीर की पोटली लाइए। मीर मेरी वाली खोल रहे हैं ना प्लीज। क्यों आपको किस बात की जल्दी है? आप ये क्या करती हैं? एंजाइटी हो रही है। ओके एंजाइटी हो रही है ने। 7 नंबर पोटली लेकर आए थे मीर, हमारा लकी नंबर है
लकी नहीं है, लेकिन इससे पहले मैं 7 नंबर लेकर आया था, उसमें कुछ अच्छा निकला था, इसलिए 7 नंबर लाए हो जी। चलो जबरदस्त, ये 7 नंबर मेरा लकी नंबर है। मैं बताता हूँ कि 7 नंबर पोटी में आपके लिए आज क्या। अब तो मैं दुआ करती हूँ माइनस आए वहाँ से, टिका कर माइनस आए, ऐसे ऐसे कि बस। वैसे मुझे लगता है 2 में माइनस। क्या लगता है तूबा, क्या है 7 नंबर पोटली में? क्या इसमें शर्माने वाली क्या बात है? वो मीर को देख के हंसी आ गई थी। अच्छा क्यों, ऐसा क्या है? मीर ने क्या किया ऐसा जो आपको हंसी आ गई थी? मीर ने ऐसा क्या किया? मीर ने ऐसा क्या किया? ये इनकी आंखों में कोई गुस्ताखी है, मेरा मतलब बातें ये आंखों वाली बातें चल रही है, इनका अपना ही गेम चल रहा है ना। आंखों में बड़ी खुश लग रही है। तूबा हाई फाइव। तूबा बड़ी खुश है आज, क्या बात है? वो हम दोनों की आपस की कोई बात है, इसको स्पेसी आ ये यहां एक ट्रायंगल हो गया है, इनका अपना कोई गेम शो चल रहा है भाई। अच्छा चलो, खैर तूबा क्या लगता है 7 नंबर में क्या हो सकता है? क्या होगा? आज ही बता दो। 1 लाख रुपए होंगे, सही है अब्दुल बासित? 2 लाख दे दो गरीबों को। यार तुम्हारा कजन है वो, तुम्हारा ही कजन है, सगा कजन है भाई। कोई कजन वजन नहीं। अच्छा सोच लो 7-8 लाख। यहां पे सिर्फ कंपटीशन, कजन है इसीलिए 2 लाख, वरना मैं माइनस का बोल रहा। चलिए 2 लाख। आपको क्या लगता है मीर? प्लस में कुछ होगा। प्लस में जी, कुछ भी प्लस में होगा। हां सिद्रा 5 to 8 इन बिटवीन। 5 to 8 7 नंबर पोटली में। चलिए बताता हूं क्या है। आपकी टीम को एक बड़ा अमाउंट चाहिए था, क्योंकि जहां 7 लाख रुपए आपके निकले थे, वहीं 6 लाख रुपए निकले थे लाहौर लेपर्ड्स के। डिफरेंस सिर्फ 1 लाख रुपए का रह गया था। अब अगर इस पोटली में आपके 10 लाख रुपए निकले हैं तो आपका ग्रैंड टोटल हो जाएगा 17 लाख रुपए। लेकिन अगर कहीं -8 लाख निकले हैं, आपका ग्रैंड टोटल माइनस में चला जाएगा। यहां गिनने की कोई जगह है? आप गिन लीजिए आराम से, लाइट में गिने ताकि ऑडियंस भी तो देखे, हमारी रेटिंग आएगी। आप यहां गिरिएगा यार, ये जो हालत हो रही है बहुत बेइज्जती वाली हालत हो रही है। ज्यादा अगर आप इससे ज्यादा रेटिंग लेकर आनी है तो वहां वो भेड़ी है उसकी तस्वीर पे गिरिएगा, वो फट जाएगी तस्वीर। चलिए जी, 7 नंबर पोटली लेकर आए मीर टीम क्वेटा वुल्व्स के लिए। अभी तक इन्होंने कोई पॉइंट हासिल नहीं किया था और आज आपको बड़ा अमाउंट लेकर आना चाहिए था मीर, लेकिन आप उसमें नाकाम रहे हैं। 3 लाख रुपए हैं। क्या हुआ प्लस में, लेकिन छोटा अमाउंट 3 लाख रुपए प्लस में। दूर से वो इस तरह माइनस लग रही थी। क्वेटा वुल्व्स 7 और 3 के साथ 10 लाख रुपए पे स्टैंड कर रहा है, और एक पोटी लेकर आया है लाहौर लेपर्ड्स, वो 6 लाख रुपए लेकर आया है। लाइए जी बेटे, प्लीज ये कर देना। क्या करूँ उसका मैं? प्लीज दिस सो मच, एटलीस्ट हमें पता होगा हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं। आप आराम से तशरीफ रखिए। नहीं हो सकता ना तशरीफ, इतना गंदा स्टार्ट किया है हमने। तो वो मैंने करवाया। नहीं वो बस हो ही गया, किस्मत तो अभी बहुत सारे गेम बाकी हैं, फिकर ना करें। मतलब 10 लाख रुपए आ गए तुम लोग, बस क्या नहीं, आज तुम्हारी रोने वाली रूह मेरे अंदर आ गए, तुम चुप हो जाओ। लाइए जी, तुम्हारे अंदर आ गए, समझ नहीं आई रोने क्या बोलती रहती है, रोने वाली रूह, रूह अंदर आ गई, शुक्र है। मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रही है। आइए जी, अब ये वो पोटली है जो तूबा लेकर आई थी लाहौर लेपर्ड्स के लिए, लेकिन इन्होंने एक्सचेंज कर ली थी अब्दुल बासित से, तो इसमें जो भी कुछ निकला वो तूबा की जिम्मेदारी है, सही है। आइए मैं जल्दी से बताता हूं कि 2 नंबर पोटली में आज क्या। वाह वाह जबरदस्त, 2 नंबर पोटली तूबा लाई। तुमने कहीं देख तो नहीं लिया था इसमें क्या है, इसलिए क्या भाषित तुम ले लो ये। हाँ भाई अब्दुल भाषित, ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं हुआ था, वरना इससे पहले कभी लीग के अंदर हुआ तो नहीं ऐसा कि एक्सचेंज ने अंदर मुझसे ऐसे पूछा कि मैं 2 उठाऊं या 5 उठाऊं या क्या, येलो कलर। तो मैंने कहा दोनों में से जो दिल करे उठा लो, तो जब यहाँ पे आई तो भाषित ने वही उठा लिया था आई थिंक, बट देन शी नहीं। लेकिन अब इस पोटली को देखने के बाद मुझे कुछ इस तरह लग रहा है कि कहीं हल्की सी झलक नजर आ गई हो आपने। नहीं, ये मेरे मुझे पास पता था, बाद में भी पता चल रहा है तो खोल के क्या फायदा भी। नहीं लेकिन तुम्हारे पास से ना खुले ना, वो तो मैंने अब बोला है कि इसमें जो भी कुछ आएगा उसकी जिम्मेदारी तूबा की, पोटली तूबा लेकर आई थी। बासित की पोटली में 6 लाख रुपए निकल आए हैं बासित की पोटली के, ये पोटली तूबा की एक्सचेंज की या नहीं की, लाई आप थी वहां से। चलिए बताता हूँ जल्दी से पोटली नंबर 2 में आज क्या हुआ है लाहौर लेपर्ड्स के साथ। 6 लाख रुपए पे थे आप लोग, ये लोग आ गए 10 लाख रुपए पे। अब अगर आपके -8 लाख रुपए निकल गए तो
ग्रैंड टोटल हो गया है माइनस 2 लाख रुपए। अगर माइनस 8 निकले, लेकिन अगर माइनस 9 निकल जाए तो ग्रैंड टोटल होता है माइनस 3 लाख। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 4 लाख 10 में निकले आपके, 10 हो गया। अब बहुत मजा आएगा जनाब। अब इनका कितना हो गया? 10 लाख ये है, 10 लाख आप लोग हैं। अब दोनों कैप्टन्स पर डिपेंड करता है यार, किसकी किस्मत में क्या है, ये लेके जाइएगा। Why does it always happen? सबसे पहले गई थी मतीरा जी गार के अंदर और अपनी मन पसंद पोटली नंबर 1 लेकर आई थी आप, और एहसन साहब लेकर आए हैं पोटली नंबर 9। अब जिस पोटली में बड़ा अमाउंट होगा वही जीतेगा यहाँ से 3 पॉइंट। लाइए सबसे पहले मतीरा जी की पोटली। यार बहुत मुश्किल, और मुश्किल हो गया मतीरा गेम। इत्तेफाक देखिए आप, अब ऐसा नहीं माइनस आ रहे हैं लोग वापस, मुझे विलन समझ। अब कहानी कैप्टन लेवल बहुत बढ़ गया। हाँ जी ऐसा ही है, कैप्टन पे कहानी आ गई है और कैप्टन को गर्मी लगना शुरू। कैप्टन युवा बोल देती है अपने आप। चलिए एक नंबर पोटली मतीरा लेकर आई आज क्वेटा वुल्व्स के लिए। मेरे रंग ही उड़ा, मतलब मैं इधर भेड़िए की तरफ ही चली जाती। नहीं प्लीज, वो भेड़िया बहुत गौर से देख रहा है आपको, पिछड़ जाइए। नंबर एक पोटली लेकर आई मतीरा जी क्वेटा वुल्व्स के लिए। मतीरा आज तो कोई बड़ा अमाउंट ले ही आती है। खैर अब जो भी ये आया है ये आपकी किस्मत का अमाउंट है। 10 लाख रुपए पे हैं आप लोग। अगर आपकी पोटली में 8 लाख रुपए निकलते हैं तो 18 लाख हो जाएंगे, लेकिन अगर वही ये माइनस 8 लाख होते हैं तो सिर्फ 2 लाख रुपए रह जाएंगे। आइए मैं जल्दी से बताता हूँ आपको कि आप लोगों के साथ एक्चुअली हुआ क्या है। मतीरा जब टॉस जीतते हैं ना, लग गए हमारी। जब आप लोग टॉस जीतते हैं तो आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, बस आज 9 पोटलियों में से कोई भी अपनी मन पसंद 3 पोटलियां लाने का। अब सारी कहानी आती है किस्मत पर, किसकी किस्मत अच्छी और किसकी आज नहीं चल रही है। तो मैं ये बताना चाहूंगा जल्दी से, आज आप लोगों की किस्मत शानदार जा रही है भाई, कोई गेम नहीं हारे हैं। पोटली में भी टक्कर दी हुई आप लोगों ने, जहां 10 लाख इनके हैं वही 10 लाख आप लोग भी लेकर आए हैं। लेकिन 10 लाख तो थे, मतीरा की पोटली, पोटली नंबर 1 को ओपन करने के बाद अब वो 10 लाख नहीं रहे, 13 लाख बन गए। रुला दे। अरे रोइएगा नहीं, अरे नहीं रोइएगा, पर छोटा अमाउंट 3 लाख रुपए निकले हैं मतीरा की पोटली से। अब गेम पलटा है एहसन खान की तरफ। याद रहे अगर एहसन की पोटली से 0 या माइनस का कोई भी अमाउंट निकला तो ये 3 पॉइंट चले जाएंगे क्वेटा वुल्व्स के पास। आपके पास कम से कम 4 लाख रुपए निकलने जरूरी हैं आज जीतने के लिए। अगर 3 लाख निकले तो दोनों के अमाउंट बराबर हो जाएंगे, फिर मैं टॉस करूंगा कि वो 3 पॉइंट किसके साथ जाएंगे। बात है, यही तो बात है, ऐसा यही नहीं तो होता। चलिए जी लाइए आज की आखिरी पोटली। एहसन खान लेकर आए थे टीम लाहौर लेपर्ड्स के लिए पोटली नंबर 9। हम पॉइंट्स, मैं बताता हूँ आपको क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स मैं पहले से तैयार कर रहा हूँ, डेढ़ आपको दे दूँ, डेढ़ उनको। दानिश जी पहले से तैयार कर रहा हूँ यार, अगर नंबर अच्छा ना निकला तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला। वो आपको बता रहा है तुम्हारा अच्छा नंबर अच्छा निकलेगा तुम्हारा। खैर आई एन पोटली नंबर 9, यू गाइस ऑन, मैं जल्दी से ओपन करता हूँ पोटली नंबर 9 और बताता हूँ कि ये 3 पॉइंट्स आज किसके साथ जाने चाहिए। बाजुकात पता है क्या होता है, बाजुकात होता है ये कि आप बहुत सारे नंबर से हार रहे होते हैं, एक टीम जो है वो बहुत अच्छी खेल रही होती है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि आप 1 पॉइंट जीतते हो और वहीं से स्टार्ट होती है आपकी जीत वाली जर्नी। कल जैसे हुआ था, कल भी कराची के साथ मैच था इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद 0 पे जा रहे थे, लेकिन जब उनका 1 पॉइंट हुआ ना, वो 1 से जीतते 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 7 पॉइंट्स तक पहुंच गए थे और कराची को 13 पे रोक दिया था। फिर उन्होंने 13-0 थे, उसके बाद जब वहां तक पहुंचे वो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कहीं यही चीज आप लोगों के साथ ना हो जाए। अगर आप लोग ये पोटली जीते हैं आज तो यहाँ से 3 पॉइंट्स जीतेंगे और यहाँ से
बोलिए तो एक गाड़ी खड़ी होती है, आप एक्सेलेटर देते हो तो एक्सेलेटर देते हो उसमें मोमेंटम शुरू हो जाता है, तो हो सकता है आपकी गाड़ी का मोमेंटम अब यहाँ हमारी गाड़ी को धक्के की जरूरत है, धक्के किसने कहा था इतनी पुरानी गाड़ी खरीदो, इतने पैसे है तुम्हारे पास, वो बस छोड़ो हो गई, क्या हो गया इंजन हमारा नहीं चल रहा आज नहीं पता नहीं इंजन आपका अभी से पहले तक चल रहा था या नहीं, लेकिन इस पोर्टली को खोलने की बात बताता हूँ कि आप लोगों के साथ क्या हुआ है। 13 लाख पे है जी इस वक्त क्वेटा वुल्व्स, 10 लाख रुपए पे है लोर लेपर्ड्स, इनको 4 लाख रुपए चाहिए थे लेकिन एसन ले आए पोर्टली नंबर 9। मैं कसूरवार इसलिए एसन को नहीं ठहराऊंगा क्योंकि एसन 4th नंबर पे गए थे गार के अंदर, इनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे थे, सबसे ज्यादा ऑप्शन थे मथीरा के पास और इनकी टीम के पास, फिर 2nd नंबर पे ऑप्शन थे लोअर लेपर्ड्स के पास, एसन लेकर आ गए पोर्टली नंबर 9। 10 लाख रुपए थे आपके एसन और -5 के बाद नहीं +5 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए आपका ग्रैंड टोटल हुआ है। इस तरह इस पोर्टली के 3 पॉइंट्स भी गए लाहौर लेपर्स के पास, वेल डन। आज जो अभी तक पॉइंट्स हुए हैं उनकी 11-0 और 11-11 हो गए, उन पॉइंट्स का सहरा जाता है बासित और तुबा के। लाओ भाई सहरे लाओ तो जल्दी से पहनाऊं मैं इन लोगों को सहरे। ऑनेस्टली आज मेरी एनर्जी बिल्कुल ऐसी, लेकिन गाइस आप लोगों की किस्मत भी अच्छी चल रही है। नहीं नहीं ये दोनों की एनर्जी आज बहुत माशाल्लाह बिल्कुल, लेकिन ये पोटली वाली गेम सेमीफाइनल खेलने वाली और जीतने वाली एनर्जी, तुम लोग डाउन हो आज फॉर सम रीजन, तुम लोगों का आज मुझे वो लग नहीं रहा है, वो वाला पैशन नहीं है आज, ये खेलने और जीतने आए, इन्होंने पहले गेम से बताया कि आज नहीं छोड़ेंगे। खैर आइए नेक्स्ट गेम खेलते हैं जी, नेक्स्ट गेम क्या है हमारे पास, तो ले लो ना नहीं नेक्स्ट गेम अच्छा जी क्या बात है, क्या जाता है आप बोल रही हो मथीरा, मैं कह रही हूं मथीरा जी, ले लो जीत मथीरा जी, हां प्लीज मथीरा टेल्स हेड टॉस, आप लोग जीत गए हैं इसलिए आपकी टीम से कोई पहले आएगा, बताइए जी गेम। अच्छा जी ओके, ये प्लास्टिक के कप्स रखे होंगे यहाँ पर, आपको गुब्बारे की मदद से इनको उठाना है और यहाँ ड्रॉप करना है। गेम बड़ा सिंपल है, 1 पॉइंट का गेम है, देखते हैं कौन आता है। आप लोग टॉस आ रहे हैं, आप लोग टॉस आ रहे हैं, आपकी टीम से कौन आएगा जल्दी बताइएगा, ये लीजिएगा कोई है ना गुब्बारे नए, हाँ जी कौन आएगा, आओगे मी आ जाओ, हाँ ये गुब्बारे सारे न्यू है, सब न्यू है, रेडी है आप, 1 मिनट का टाइम है, रेडी गो, हाथ लगाए बगैर हाथ लगाए बगैर, बहुत आराम। ये कैसे शहर में आया पता तो यही ना बताया, ये कैसे शहर में आया पता तो यही ना बताया, यहाँ पे हर कोई है साया, ये कैसे शहर में आया पता तो यही ना बताया, ये कैसे शहर में आया पता तो यही ना बताया, बारा बहुत आला भाई जबरदस्त भी यार, जाग उठा है क्वेटा बहुत आला जनाब, कितने उठाए 12, वाओ क्यों वाओ यार, कोई बात नहीं रेडी है आप, 12 स्कोर किया है, ट्राई कर रहा हूं, अब 13 स्कोर करना होगा, ऐसे ट्राई करके देखें, ऐसे हाथ के बगैर ये हाथ ही रखना है आपने, ये बात रेडी है, बासित कर रहा है, बासित खेलेगा आओ बासित ये देखो ये देखो तुबा आजा, आओ भाई तुबा पहले ट्राई खेलेगा, बासित 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 दो रह गए, रेडी रेडी गो, साहिल है जीवन की नारा कोई पास नहीं,
बाप, नहीं भाई ये लेपर्ड नहीं छोड़ेंगे बेड़ियों को। 15 स्कोर करके ये एक पॉइंट भी जीता यार, और लेपर्ड क्या बात है यार। वो बेचारे अपनी सी पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो किसी और ही लेवल पे हैं वो लोग। किसी और लेवल पे हैं वो लोग। हाँ भाई लेके रहो नेक्स्ट गेम, नेक्स्ट गेम जल्दी से। अनिश भाई मैं पिछला गेम सही नहीं खेला, आमिर ने बोला मैं हूं प्लेयर ऑफ द लीग इसलिए मैं वापस खेलना शुरू हो गया। ओके फिर ही तो आखिर में डिसाइड होगा। आइए भाई आइए, दोनों प्लेयर्स का गेम है, दो पॉइंट्स का गेम है, ये हसन का फेवरेट गेम है। अल्ले बासित ये कह रहा है कि आपको खेलनी नहीं आती, मैं खेलूंगा। कौन मर्जी है, अगर ये खेलना चाहते नहीं, नहीं, नहीं हसन भाई की पिछले बार सॉक्स पहने थे वो। हाँ उतार के खेल सकते हैं आज आप। नहीं ये मैं खेलूंगा आज, प्रूफ करने के लिए आप सॉक्स उतार के खेल सकते हैं। नहीं एक मिनट, वो नहीं नहीं मैं खेलूंगा आज, मैं खेलूंगा मस्जिद है कि मैं। आप खेल लो खेल लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आओ तुबा आप आ जाओ। चलो जी तुबा रेडियो सिद्रा शाबाश, असल पावर तुबा की। इस गेम में रहना बहुत मुश्किल है मुझे ये पता है। अच्छा चलो गाइस हम तीनों खेलते हैं ना कैप्टन समेत। नहीं कैप्टन तो नहीं खेलते। हां ना कैप्टन, नहीं 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 हम डील देंगे कैप्टन को। कैप्टन जूती था कैप्टन आज हम खुद दे देंगे यार। क्या हो गया यार? नहीं यार हम नहीं चाहते हमारे कैप्टन के ऊपर। मैं एक औरत हूं, आप एक ठीक ठाक मर्द हो। अच्छा गाइस बी केयरफुल, बस गिरना नहीं है। जोर आजमाई के दौरान दिमाग को काबू में रखना, इधर उधर ना जाना, गिर ना जाना। शाबाश चलो रेडी। अच्छा मैं खेल सकता हूँ साथ? क्यों बाकी जगह क्यों क्यों मतलब जीत रहे हो ना, और क्या करना है? रेडी गो दो चार इंच रह गए होंगे हारने में। अगर वहां से गाना इन लोगों ने अगर इस पूरी लीग में किसी को मैन ऑफ द मैच और वुमन ऑफ द मैच मिले तो वो बासित और तूबा। मैन ऑफ द सीरीज और वुमन ऑफ द सीरीज, बिल्कुल सही बात है यार, बहुत आला। एंड बासित वंडरफुल। पिछले बार दानिश भाई आमिर को मैंने खेला था, ये दो पॉइंट भी जाएंगे लाहौर लेपर्ड्स के साथ। आमिर को भी आ रहा था, आमिर को अब तक किसी ने आया है। आमिर को क्या, हां फर्स्ट टाइम आ रहा है आमिर। आमिर के साथ भी मैं खेल रहा था, स्लिप हुआ था। अचीवमेंट है यार। लेकिन जहां पर तुम लोगों ने सारे मैचेस बहुत अच्छे खेले हैं, उसी तरह सिद्रा और जंगी ने भी सारे मैचेस लड़के खेले। ऐसा होता है किसी का एक दिन बहुत ही अच्छा होता है, किसी दूसरी टीम का दिन अच्छा नहीं होता है। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोगों का दिन अच्छा नहीं जा रहा है गाइस, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी बाउंस बैक कर सकते हो। लेकिन और नेक्स्ट गेम क्या है भाई? हिम्मत नहीं आ रही तुम्हारे। लगाओ लगाओ लगाओ, आज कमाल कर दिया। अच्छा जी इस गेम का नाम है अंधाधुंध। याद रहे आपकी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी, उसके बाद कैप्टन सिर्फ आपको बताएंगे ये बात कि आपने बॉल किस तरह पिक करनी है, राइट जाना है लेफ्ट जाना है। वेरी नाइस जी, सही है। आइए आइए जल्दी से जल्दी 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 रेडी कीजिए, लाइए टॉस 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 टॉस, कॉइन दीजिए मुझे जल्दी से। दानिश जी मीर नहीं बता सकता, कैप्टन को बताना जरूरी। मीर व्हाट? मैं बताऊंगा। मीर बता दे। हाँ आप भी कर सकते हैं, कोई भी बता सकता है, कोई भी बता सकता है। एसन एसन बताइएगा। हाँ हेड हेड इट इज भाई, टॉस भी जीत रहे हैं आज। ठीक है आप लोगों में से कौन आएगा? पहले ये खेलेंगे। हाँ कौन आएगा? आंखों पे किसकी पट्टी बननी है? सिद्रा की। आ जाओ आइए भाई, सिद्रा को रेडी कीजिए। यहाँ से कौन रेडी होगा? जाइए आप भी रेडी हो जाइए, हाथ के हाथ। और याद रहे एक मिनट का टाइम होगा, यहाँ से मीर गाइड करेंगे। मीर बस एक बात का ख्याल रखना, ये ना बोलना इस तरफ इस तरफ इस तरफ, राइट बोलो उसका लेफ्ट उसका राइट, स्ट्रेट जाओ, बॉल पिक करो बॉल फेंक दो, टर्न अराउंड करो, पीछे देखो आगे देखो, इस तरह बोलना, इस तरफ देखो उस तरफ देखो, वो समझ में नहीं आता। आइए जल्दी से जल्दी 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 आइए। वैसे हसन
आज सेमीफाइनल में आपकी टीम की स्ट्रैटेजी बहुत ही कमाल है। स्ट्रैटेजी तो छोड़े, मैं आपको एक बात बताऊं जी, आज ऑनेस्टली आज ना कोई स्ट्रैटेजी है ना कोई प्लान है, और हम लोग बस ऐसे ही कहते हैं ना कि आप कूद गए बीच में, गेम शो में आ गए, और इन दोनों की जो आज स्पिरिट है ना, मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं कि लोग देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आई वांट टू टेल देम कि इनकी आज वो स्पिरिट बहुत स्ट्रांग है कि यार आज लग रहा है सेमीफाइनल खेलने आए हैं। हां हां हां, नो, और स्पेशली जब तुम लोगों ने रस्सा कशी जीती है ना, इस बात से तो मुझे यकीन हो गया बासित, ये इसको हराना बहुत मुश्किल थोड़ी देर के लिए। वेल डन, चलिए जी आइए थोड़ा आगे आओ बेटा, फिर आगे तबीयत भी सही नहीं है, बस उसको दिखाई दे रहा शायद, रेडी घुमा दो, अच्छा तो दो, जब मैं रेडी को कहूंगा उसके बाद बीच में कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ आपकी आवाज आएगी, आप गाइड करेंगे, आप रेडी है मीर, घुमा दो, रेडी गो, एक दो तीन चार, ये बस चलो 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 चलो, टाइम हो गया, नहीं रेडी गो, उधर जाना है, डाउन लेफ्ट लेफ्ट डाउन लेफ्ट, पीछे थोड़ा पीछे, वन शाबाश, आगे आगे, टू लेफ्ट, थ्री आगे 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 आगे, डाउन डाउन, फोर बहुत आला, आगे आगे लेफ्ट राइट 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 आगे आगे राइट राइट आगे आगे डाउन, फाइव आगे आगे राइट 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 आगे डाउन, सिक्स घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ, पीछे पीछे बिल्कुल पीछे, सीधा बिल्कुल पीछे पीछे, और आगे इस तरह लेफ्ट लेफ्ट, डाउन डाउन, गिर गई बॉल, आगे सीधा सीधा डाउन, सात सीधा सीधा आगे, बारह सेकंड, राइट राइट, आठ, वो कमाल हो गया, राइट 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 डाउन, राइट 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 राइट, गलत जगह पे जा रही है, तुम आसन खान के पांव छूने जा रही हो। आठ स्कोर किया है क्वेटा वॉल्स की तरफ से मीर और सिद्रा ने, नौ स्कोर करना है अब, नौ स्कोर करना है तूबा और अब्दुल बासित को, आइए जल्दी से सिद्रा तूबा को लेकर आइएगा बेटा, आ जाओ जल्दी से आ जाओ, अच्छा गाइड आप करोगे, कैप्टन करेंगे, ठीक है आइए, और आहिस्ता आ जाओ, दुल्हन लेकर आ रही हो तुम, जल्दी ले आओ, चलिए तीन दफा घुमाओ, दो दफा घुमा दो, दो दफा घुमाओ, आई थिंक सही है वो जहां से भी जाएगी, सही है बिल्कुल सही है, दो दफा घुमा दो, एक रेडी गो, यार रुक जाओ, नीचे 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 जाओ, नीचे जाओ, पैर ना हिलाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे झुको, झुके रहो, ये पीछे, हाँ ये वन, उस साइड पे राइट, राइट वाला हाथ, राइट वाला हाथ भी जल्दी, और राइट, और राइट, और राइट, आगे चलो, आगे चलो, बस 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 आगे, नीचे वाला लेफ्ट वाला हाथ, राइट वाला हाथ भी इधर लाओ, राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड, और आगे 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 आगे, और आगे और आगे और आगे 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 आगे, ये नहीं पीछे, थोड़ा पीछे हाथ घुमाओ, आराम से आराम से, ये आ गया बिल्कुल साथ, नीचे जाओ और नीचे जाओ, ये फोर आगे राइट, थोड़ा सा उधर रहो, उधर रहो, अपने सीधे अपने उस तरफ रहो, ये हाँ नीचे देखो, नीचे हाथ दोनों तुम्हारे सीधे हाथ, फोर दोनों हाथ पे बॉल है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और थोड़ा आगे आओ, ये सिक्स आगे आओ, थोड़ी मेरी तरफ आओ जहाँ आवाज आ रही है सिर्फ, हाँ यही रहो, राइट पे बॉल है, नीचे इधर बॉल है, लेफ्ट पे, लेफ्ट पे, इधर इधर आगे आगे आओ, आगे आओ और आगे आओ, अब इस हाथ से करो, राइट राइट हैंड पे तुम्हारे, राइट इस हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट 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 लेफ्ट, और पीछे, ये एट, एक और, एक और इधर इधर घूमो, इधर घूमो जा, मैं हूँ इस तरफ, मेरी तरफ घूमो, लेफ्ट लेफ्ट बोले, लेफ्ट इधर नहीं, इधर घूमो, नीचे उनको गाइड कर रहे हैं हाथ लगा कर, नहीं सीधे इन्होंने दो दफा ये किया बिल्कुल, और आगे और आगे आगे ये ठीक है नहीं क्या, टाइम अप, तू इधर, तू इधर, टाइम अप, ओके ओके टाइम अप, कौन, अच्छा नहीं नहीं, चलिए जी ये आखिरी सेकंड पे आपने नवा स्कोर किया है, और इस तरह ये दो पॉइंट भी जाएंगे लाहौर लेपर्स के पास, तूबा गुड जबरदस्त, क्या मुश्किल था ये, वैसे ट्रिकी ट्रिकी, चलिए चलिए नेक्स्ट गेम जल्दी से, ट्रिकी था, इट वाज ट्रिकी, बहुत अच्छा, जल्दी से नेक्स्ट गेम, और बस नेक्स्ट गेम क्या है लेकर आइए, टॉस कराइए यार, मतलब सही है तुम्हारे कजन है यार, थोड़ा हल्का हाथ रखो, तुम लोग क्या कर रहे हो जनाब, नेक्स्ट गेम है फनी क्वेश्चंस, मैं दोनों टीम से पूछूंगा दो दो क्वेश्चंस, ये पकड़िएगा, आप लोगों को जवाब देने हैं, दो पॉइंट्स का गेम है ये, आपकी बारी थी, हेड्स टेल्स, पहले आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, आइए, अच्छा फनी क्वेश्चंस है लेकिन आईक्यू आंसर्स हैं, आईक्यू वाले आंसर्स हैं, तूबा पूरी टीम मिलके जवाब देगी, बस सवाल को गौर से सुनिएगा, तूबा आ जाओ, यस आइए जी, पहला सवाल, वेरी नाइस तूबा, वो कौन सा शहर है जिसका नाम उल्टा लिखा जाए तो एक परिंदे का नाम बन जाता है, वो कौन सा शहर है जिसका नाम अगर उल्टा लिखा जाए तो एक परिंदे का नाम बन जाता का है, शहर है
नहीं नहीं इंटरनेशनल। अच्छा कहीं का भी हो सकता है, पाकिस्तान का भी हो सकता है, ये सोचना आपका काम है। वो कौन सा शहर है जिसका नाम उल्टा लिखा जाए तो वो एक परिंदे का नाम बन जाता है? आखिरी 10 सेकंड्स हैं आपके पास जवाब देने के लिए, बताओ ना बतीरा। 10। मैं तो इसमें वैसे ही 0 मान लिया। बर्ड, बर्ड तो नहीं है, एक डब, डबी के नाम से एक शहर। 8। 7। उर्दू इंग्लिश है? 6। इंग्लिश है उर्दू? इतना तो बस इंग्लिश है उर्दू, इंग्लिश। 5। 4। 3। 2। और 1। कोई जवाब है? ये IQ नहीं, ये तो जनरल नॉलेज है ना भाई, क्या हुआ? ये जनरल नॉलेज है। अच्छा कब हुआ ये? ये भी अभी हुआ। अब्दुल बासित बताओ जवाब आता है नहीं आता? सिर्फ जवाब नहीं आता, नहीं आता। चलिए जी मैं बताता हूँ आपको, इसका जवाब है रोम। रोम वो शहर है जिसको उल्टा लिखे तो मोर बन जाता है। नाइस नाइस। चलिए जी, कोई इतनी तो हिंट देते कि यूरोप में है यार शहर, कहीं है, मतलब दुनिया के इतने मुल्कों में से किस हिंट तो देना यार। हिंट नहीं दे सकते ना, समझ जाते आप लोग। चलिए अच्छा, एक लड़की ने गुस्से में अपने शूज कमरे से बाहर फेंक दिए, थोड़ी देर बाद शूज दोबारा उसी के हाथ में थे, बताइए कैसे? क्या? एक लड़की ने हाँ। गुस्से में अपने शूज कमरे से बाहर फेंक दिए, थोड़ी देर के बाद शूज दोबारा उस लड़की के हाथ में थे, बताइए कैसे? बाहर जा रही थी, बाउंस होके वापस आ गए। बाहर जा रही थी तो पहन लिए। नहीं, कैसे उसके हाथ में कैसे आ गए भाई? एक लड़की ने हाँ। अपने शूज कमरे से बाहर फेंक दिए, थोड़ी देर के बाद शूज दोबारा उसी के हाथ में थे, उसके डॉग ने लाकर दे दिए। नहीं, वो स्प्रिंग लगा हुआ था, दानिश जूते उतार रही थी, उसे पैर के बाउंस होके वापस आ गए। आवाज आ जाएगी ना बाउं बाउं, वापस जाके जूते जी, जूते उतार रही थी। क्या उतार रही थी? उसने खुद ही जाके उठाए के फेंक दी थी। तो फेंकते थे कैसे आएंगे? आएंगे आएंगे, टाइम अप हो गया भाई। मुझसे सवाल कर रही है, जवाब मांग बताए ना, ये भी डिसाइड कर लो। एक लड़की ने गुस्से में अपने शूज कमरे से बाहर फेंक दिए, थोड़ी देर बाद शूज दोबारा उसके हाथ में थे, बताइए कैसे? कमरे से बाहर फेंक दिए अपने, थोड़ी देर के बाद उसके हाथ में थे, खुद ही लेकर आ गई होगी। मुझे जवाब चाहिए, एक कोई भी एक जवाब दो। या वो बाहर जा रही थी नहीं तो या तो हो सकता है उसने एक पैर उसका वो जवाब टाइम अप हो गया, खुद जाकर लेकर आ गई। मैंने वही खुद जाकर लेकर आ गई, वो खुद उठा कर ले आई। बिल्कुल सही जवाब भाई, उसने बाहर फेंक दिए, खुद उठा के भी तो ला सकती है। एक सही जवाब दिया, वेल डन। चलिए बारी है आप लोगों की। हाँ वतीरा की शक्ल में जो मुस्कुराहट है, प्लीज का क्लोजअप बनाया जाए, ये चेहरे पे मुस्कुराहट जो आई है। अच्छा जी, वो कौन बेचारा है जो खुशी के मौके पर भी पिटता है? गधा खुशी के मौके पर पिटता है। एक तो जानवरों को मारने के बारे में तो सोच नहीं, सबसे ज्यादा गुस्सा आता है मुझे। जी आपसे किसने पूछा? ढोल, दानिश ढोल, ढोल। मुझे जवाब चाहिए, ढोल बोल रहे हैं? ढोल ढोल पक्का? हाँ ढोल ही होगा। वो कौन बेचारा है जो खुशी के मौके पर भी पिटता है? तो ढोल ही पीटते हैं, मैं कह रहा हूँ जवाब देते बस। ढोल ढोल गलत जवाब नहीं है, बिल्कुल सही जवाब ढोल। दो सवाल इन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से एक सही जवाब दिया है। ये सारे सवाल कहां से निकाले? मतलब ये कहां से आए? लगता है मेरे पास ना टाइम होगा, तैयार भी नहीं थे इन चीजों के लिए। तो हाँ, ये बताते हैं आप तैयारी तो करके आते कुछ तो कर लेते कि हम बैठ कर रट्टा पढ़े। लेकिन तुम्हारे से डिलिबरेटली बड़ा आसान सवाल हुआ था कि जूते फेंके तो जाहिर है खुद उठा लो जी। हमें वो एक पॉइंट मिला, उसमें भी आसान हो गया। अभी भी रोना है, अभी आपका दूसरा सवाल बाकी है। उन्होंने दो में से एक सही दिया है, आप दो में से दो दे दोगे आपको दो पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो हमें एक नहीं मिलेगा, और से सुनिए, हमें एक पॉइंट नहीं मिलेगा यार, ये क्या जुल्म है? दो पॉइंट्स इसके हैं। अब आप इस तरह टंग ट्विस्टर की तरह, जिस तरह टंग ट्विस्टर में बाजू का होता है कि दो में से एक रहे, एक पॉइंट तो बनता था। मुश्किल सवाल, मुश्किल सवाल है यार। नंबर चेक करो, अगर हां हां अगर अगर इन्होंने भी गलती कर दी, दो पॉइंट्स आपके होंगे, दो पॉइंट्स इनके होंगे अगर गलती कर दी। चलो गलती करो तो। चलिए आइए, दो दो पॉइंट्स मिलेंगे दोनों को। वो कौन सा बिल है? हसद ना कर, सुनिए इधर उनके साथ खेलना, मैं आ रहा हूँ बाहर से आ रहा हूँ।
नहीं ना मतीरा जी, आप जाग रही हैं, ये कितने हैं? तीन। किसने कहा? बहुत आसान है। नहीं, इनके लिए मुश्किल ही है। चलिए, वो कौन सा बिल है जो मिट्टी से भर सकते हैं? What? वो कौन सा बिल है जो मिट्टी से भर सकते हैं? बिल गैस का बिल है, बिजली का बिल, कौन सी? वो कौन सा बिल है जो मिट्टी से भरा जा सकता है? गैस बिल, बिजली, बिजली। एक मिनट, एक मिनट, एक कौन सा? पंखे का बिल, मिट्टी क्यों डालेंगे पंखे में? बिल क्या नहीं चीजों के क्यों जब मिट्टी के अंदर वो नहीं होता? ना यही बोली, बिल वो भी होता है। क्या होता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कौन सा बिल है जो मिट्टी से भर सकते हैं? जल्दी से बताइए। बिल ये बिजली का बिल, जो मिट्टी से भरते हैं। नहीं नहीं, जल्दी से गाइस बताओ वो क्या होता है। कौन सा बिल है जो मिट्टी से भर सकते हैं? जमीन में होता है ना। कौन से बिल होते हैं वो? यार दानिश टाइम आप हो गए। मेरी उर्दू वैसे ही पैदल है और इधर महा पैदल चल रही है। यार गैस का बिल, बिजली का बिल, इंटरनेट का बिल, सिद्रा एक मिनट, एक मिनट, एक एक एनर्जी जनरेटर है जो मट्टी से चलती है। टाइम ज्यादा हो जाएगा उनके लिए सोचने के लिए, एक मिनट। भाई बहुत सोच रहे हैं वो। भाई आप मुझे बताइए वो कौन सा बिल है जो मट्टी से भर सकते हैं? इसका जवाब ये भी हो सकता है, भरना, हमें ये तो नहीं पता कि पे करना है। जवाब चाहिए मुझे कोई भी। सांप का बिल, सांप का। ये कौन बोला है? एक मिनट, कौन बोला है? आपका जवाब सांप का बिल है? शायद वही होगा। और क्या मिट्टी से भरते हैं? अब तो दिमाग हमारा मिट्टी वाला हो गया है। सांप का बिल, बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू। इस तरह ये दो पॉइंट्स शुक्र है गए क्वेटा वुल्व्स के पास। बहुत शुक्रिया जी, थैंक गॉड। और इसी नोट के ऊपर मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, वापस आऊंगा आगे इसे कंटिन्यू करूंगा। मिलके बोलेंगे गेम शो। वैसे ही चलेगा जहां आप लोगों को छोड़ के गया था। आइए वहीं से कंटिन्यू करता हूं। हाँ। लाइए नेक्स्ट गेम जल्दी से। क्या है क्या हमारे पास? हमें दो मिले थे ना, अंडे नहीं। हाँ, आपको दो पॉइंट्स मिल गए थे इनका। अल्लाह माफ करे, ये लोग जवान हो गए। दो ये जवान हो गए। कौन जवान हो गए? ये लोग कब से जवान है माशाल्लाह? 16। हां 16 साल के हो गए। ये जवान हो कर आ गए आप। चलिए बताइए मतीरा जी, अब मैं इनका टर्न था। इनका टर्न है, आइए। एसन यस, टॉस टॉस हेड्स। बिल्कुल हेड इट इज। टॉस ये लोग जीते, इसलिए पहले टंग ट्विस्टर। हाँ, हम ही कर लेते हैं। मैं आपसे पूछूंगा, दो टंग ट्विस्टर्स होंगे, दो पॉइंट्स का गेम है ये भी। कौन अटेम्प्ट करेगा पहले? पहले मीर। वैसे टू बी ऑनेस्ट मीर की तबीयत सही नहीं है, उसको चक्कर आ रहे हैं। भाई मीर चक्कर आ रहे हैं? हां इसको एक्चुअली चक्कर आ रहे हैं। सोया भी नहीं हूं मैं, बस तखन है बिल्कुल अलग से। चलो इस गेम के बाद आराम से रेस्ट कर लेना, लेकिन जाहिर सी बात है ये गेम चक्कर तो याद आएगा तुम्हें। अगर तुम हार जाओगे ये वक्त याद आएगा तुम्हें। जब तक ये गेम खेल रहे हो अपनी पूरी एफर्ट डालो। हमारे पास इसके बाद हमें चांस नहीं मिलेगा ना? नहीं जी, घर जाएंगे अगर हार गए तो। हम आपको कहेंगे अस्सलाम वालेकुम और यहाँ से आप लोग घर। चलिए अलग करें, वो मौका ना आए आप लोगों का, आप लोग जीत जाए। खैर मैं पहला टंग ट्विस्टर आपसे पूछूंगा, आप अटेम्प्ट करेंगे मीर। छोटे ने छोटे गेट से छोटे छोटे टमाटर खरीदे। छोटे ने छोटे गेट से छोटे छोटे टमाटर खरीदे। छोटे ने छोटे गेट से छोटे छोटे टमाटर खरीदे। ये बात रेडी, सात दफा बोलना है, रेडी गो। छोटे ने छोटे गेट से छोटे छोटे टमाटर खरीदे। छोटे ने छोटे गेट से छोटे छोटे टमाटर खरीदे। छोटे ने छोटे गेट से छोटे छोटे टमाटर खरीदे। छोटे ने छोटे गेट से छोटे छोटे टमाटर खरीदे। छोटे ने छोटे गेट से छोटे छोटे टमाटर खरीदे। छोटे ने छोटे गेट से छोटे छोटे टमाटर खरीदे। छोटे ने छोटे गेट से छोटे छोटे टमाटर खरीदे। छोटे ने छोटे गेट से छोटे छोटे टमाटर खरीदे। बिल्कुल सही, बेहतरीन, वेल डन। आपको पता है आसन क्या कर रहा था? क्या ये क्या? तुम्हें इशारे कर रहा था। ये क्या था बेचारा कर रहा था? तुम पूछ, तुम मुझसे पूछ रही थी। होना चाहिए तो आप भी इशारे कर रहे हैं। इशारे नहीं, मैं इशारे नहीं करूंगी। अच्छा तुमने तुमने कहा जवान हो गए हैं, इससे कहा 16 साल जवान। अब तुम जुबान से बोलो तो हम इशारा भी ना करेंगे। क्या कर रहे हो? क्या बात, ये वो पूछना चाह रहे थे? छोटे छोटे ये क्या था? नहीं 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 नहीं। चलिए जी कौन बोलेगा? आपकी टीम से कौन अटेम्प्ट करेगा? बासित। आधा तीतर आधा बटेर, पूरा लीटर आधा लीटर। आधा तीतर आधा बटेर, पूरा लीटर आधा लीटर। रेडियो
आधा तीतर आधा बटेर पूरा लीटर आधा लीटर रेडी एक सेकंड क्या है आधा तीतर आधा बटेर पूरा लीटर आधा लीटर पूरा लीटर आधा लीटर रेडी गो आधा थीतर आधा बटेर पूरा लीटर आधा लीटर 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 बहुत आला भाई जबरदस्त लॉर्ड लेपर्ड्स एक अटेम्प्ट किया वो भी सही आप लोगों ने भी एक अटेम्प्ट किया बिल्कुल सही आज का दूसरा अटेम्प्ट आप करेंगे भी बीमार है इस गेम में ये दोनों ये लोग आ गए हैं यार क्वेटा क्वेटा में कोई बात नहीं मेरी टीम थोड़ी बीमार है यार वो आता है ये जाती है वो आती है ये जाता है वो आता है ये जाती है वो आता है ये जाती है वो आता है ये जाती है वो आती है ये जाता है उसी को उल्टा कर दो आता जाती आती जाता सो इट्स लाइक वो आता है ये जाती है एग्जैक्टली रेडी रेडी गो वो आता है ये जाती है वो आती है ये जाता है वो आता है ये आती है वो आती है ये जाता है वो आती है गलती हो गई आपसे बीच में कोई नहीं बोलेगा गाइस वो आता है ये जाती है वो आती है ये जाता है वो आता है ये जाती है वो आती है ये जाता है रेडी गो वो आता है ये जाती है वो आती है ये जाता है वो आता है ये आती है वो आती है ये जाता है गलती हो गई गलती हो गई गलती हो गई है हाय स्यापा मैं की करा अभी आप कुछ ना करें आप लोगों ने करना है वैसे ये आसान था इट वाज नॉट ये मेरा थोड़ा फोकस करके कंटेस्टेंट बोल चुका है बासित पहले ये बोल चुका है एक मर्तबा बिल्कुल चलिए जी तूबा आपकी बारी है वट्टे सट्टे कट्टे पट्टे चट्टे बट्टे तूबा तूबा कट्टे कट्टे बहुत चाहिए वट्टे सट्टे कट्टे पट्टे चट्टे सट्टे कट्टे पट्टे चट्टे पट्टे क्या है चट्टे बट्टे वट्टे सट्टे कट्टे पट्टे कट्टे पट्टे चट्टे बट्टे चट्टे पट्टे यार ये पॉसिबल है वट्टे सट्टे कट्टे पट्टे चट्टे बट्टे चलिए जी आइए फट्टे फट्टे वट्टे सट्टे कट्टे पट्टे चट्टे बट्टे ही बोलना वट्टे नहीं क्या है यार क्या है यार वट्टे सट्टे कट्टे पट्टे चट्टे बट्टे वट्टे सट्टे कट्टे पट्टे चट्टे बट्टे चलिए वट्टे सट्टे चट्टे कट्टे वट्टे सट्टे कट्टे चट्टे इतना टाइम ले रहे हैं कितनी खुश हो रही है आपको दिखाया नहीं इतना वट्टे सट्टे कट्टे पट्टे चट्टे बट्टे सात दफा बोलना है रेडी रेडी गो वट्टे कट्टे सट्टे चट्टे सट्टे चट्टे ये वैसे ही इतना ये किसी ने बोला है यहाँ पे अभी तक पूरे गेम शो में नहीं नहीं ये फर्स्ट टाइम आया है ना अगर कोई बोल दे दो वट्टे सट्टे बट्टे वट्टे सट्टे देखो पहले वट्टा सट्टा होता है वट्टे सट्टे कट्टे पट्टे कट्टे कटे हुए पट्टे कट्टे कट्टे पट्टे चट्टे बट्टे चट्टे बट्टे वो जो आई थिंक पत्थर पत्थर बस चट्टे बट्टे बस वट्टे सट्टे बस हो गया कट्टे पट्टे सट्टे बट्टे चलो तू बस ट्राई करो क्या हो गया यार कोई बात नहीं टेंशन क्यों ले रही हो रेडी रेडी गो वट्टे सट्टे वट्टे सट्टे वट्टे सट्टे वट्टे सट्टे कट्टे पट्टे चट्टे बट्टे रेडी रेडी गो वट्टे बट्टे चट्टे कट्टे वट्टे बट्टे वट्टे बट्टे दानिशा अगर ये बोल रहे थे हमें दो मिलेंगे दो पॉइंट्स ये गलती हो गई आपकी दो आप लोगों ने अटेम्प्ट किए एक सही बोला दो आप लोगों ने अटेम्प्ट किए एक सही बोला अगर ये बोल ले ऐसे ही बोल के देखते हैं अच्छा चलो ठीक अगर मीर ने ये सेम बोल दिया तो हम दो पॉइंट्स दे देंगे इनको चलें चलें अच्छा नहीं बहुत पॉइंट्स हैं आप लोगों को ट्राई कर दे कोई बात प्रैक्टिस हो गया होगा इनका अच्छा प्रैक्टिस हो गई थी तुम्हें नहीं यार ट्राई कर अच्छा एक पॉइंट तो दे ही देते ना देते आप जितवाओ तो चलो एक पॉइंट को देख दो नहीं खेलते देखो दो दो पॉइंट्स खेलने दो ना यार तुम्हारे भी दो पॉइंट्स इनके भी दो पॉइंट्स ही चले गए अब अगर इसने ये बोल दिया ना तो एक पॉइंट दूंगा नहीं बोला तो दो दो चलो ठीक है डन 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 वट्टे सट्टे कट्टे पट्टे चट्टे बट्टे वट्टे सट्टे कट्टे बट्टे कट्टे पट्टे वट्टे सट्टे कट्टे पट्टे चट्टे बट्टे चट्टे बट्टे वट्टे सट्टे कट्टे पट्टे चट्टे बट्टे पढ़ लेना यार सही बोल रहे अच्छा सही बोल रहा है वट्टे सट्टे कट्टे पट्टे चट्टे बट्टे रेडी एक पॉइंट के लिए एक्स्ट्रा रेडी गो
वट्टे सट्टे कट्टे पट्टे चट्टे बट्टे 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 वट्टे सट्टे कट्टे पट्टे चट्टे बट्टे। ब्रिलियंट यार, जबरदस्त, गुड यार, गुड, वेल डन मीर, बहुत मुश्किल था, वेरी नाइस, बहुत नाइस, नाइस, ही डिजर्व्स अ पॉइंट, जबरदस्त, ऑनेस्टली डिजर्व्स, जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत आला। आइए इस तरह ये 3 पॉइंट जाएंगे क्वेटा के साथ, 2 पॉइंट जाएंगे लोअर लेपर्स के साथ। मुझे पॉइंट 7 दिखाइएगा, पॉइंट 7, दो क्यों, वो तो ड्रॉ हो गया था, दो दो, उन्होंने आपको एक एक दफा अटेम्प्ट करने की फेवर दी, ना एक दफा ये फेल हो गया, दो अटेम्प्ट किए एक नहीं बोल पाए, आप लोगों ने भी दो अटेम्प्ट किए एक नहीं बोल पाए, हाँ तो फिर दो बराबर हो गया, वो तो पॉइंट इक्वल हो गया ना मतीरा, फिर उसके बाद एक पॉइंट एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिला है, 3 और 2 हुए इसलिए। ओके ओके, चलिए आइए नेक्स्ट गेम जल्दी से, स्क्वाड, ये लोग हार जाएंगे, आज इन लोगों की तबीयत सही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं क्या कह सकता हूं, अल्लाह अकबर, आइए आइए आइए, माशाल्लाह, 18-5 आज तेरा और मतीरा करेंगे हम इसको, आज मतीरा से करवाते हैं यार, मतीरा है, मतीरा देखो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए कैप्टन को कूदना पड़ता है खुद, आ जाओ आओ मतीरा, मतीरा बिचारी आज ऐसी मुझे लग रहा है डाउन है, आप क्या करने करने आई हैं, कर लेते हैं, मतीरा देख लीजिए हम आपको बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहे, आपकी मर्जी है, पॉइंट्स में 2 ही दूंगा, उधर वो कर रहे थे, चले नहीं 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 चले कर लेते, कर लेते कूद लेते और क्या, कूद ही जाते हैं, मतीरा जी नहीं, ये जो नंबर्स चल रहे हैं इस पे तो कूदना लाजिम है, यू कर, आ जाओ जल्दी से, वहां से मीर करीब आओ, आ जाएंगे सर, चलिए ना, मुकाबला है तूबा का सिद्रा से मीर का अब्दुल बासित से, 2 पॉइंट का गेम है, रेडी गो, ओए आसिम, आसिम आ जाओ, आ जाओ, नहीं मिला क्या, नहीं मिला क्या, क्या पॉइंट, जो जल्दी से जहां जिसे अच्छा दिल में समाया, नहीं मिला, नहीं मिला, ये बात सोचा जिसे चाह जिसे दिल में समाया, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, तेरा दीवाना तेरे जाने से जाना, ये मेरी आँखों की शक्ति है ना है, यादों में आ जाना है, तबीयत खराब में भी हरा दिया देखो मतीरा, तुम उनको डीमोटिवेट कर, दोनों जीत गए, मैंने कौन सा टीम, बीमार, ये देखो ये 2 पॉइंट जाएंगे क्वेटा बुल्स के साथ, बहुत आला गाइस, 9 और 18 पॉइंट 7 दिखाइएगा मुझे, 18-7, ओके 18-7, अभी भी बहुत दूर है, खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट गेम है हमारे पास, सिचुएशंस दूंगा आप दोनों को, आपने एक्टिंग करके बतानी है, डिसाइड करेगी वहाँ मेरी टीम के आप में सबसे ज्यादा टैलेंटेड कौन है, मैं इतना हंसूंगी अगर आप लोग इतना जल्दी जल्दी चल रहे हो और फिर गेम चेंजर हम जीत जाए, मतीरा जी टेल्स एनर्जी आई कह रही है, तुम लोग इतना आगे जा रहे हो और मैं इतना हंसूंगी गेम हम जीत जाए, देख लो खुशी चेहरे पे जो आ रहे हैं, चलो आज एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इस गेम के अब 3 पॉइंट्स है और कैप्टन खुद भी इन्वॉल्व होंगे इस गेम के अंदर, और नहीं डिसाइड करेगी वहां मेरी टीम, एसेंस मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट, एसेंस होंगे उस सिचुएशन का हिस्सा होंगे, हो सकता है एसन बहुत आउटस्टैंडिंग एक्टिंग कर रहे हो बट उनके प्लेयर्स भी शामिल है ना उसके अंदर, तो इसी तरह यहाँ के 2 प्लेयर्स हैं, वो तो एक ऑब्वियस सी बात है, टीम मेरी डिसाइड करेगी, वो हेल्प कर रहे होंगे, वो डिसाइड करेगी इन दोनों को, वो डिसाइड करेगी दोनों प्लेयर्स को, आइए आप लोग टॉस आ रहे हैं इसलिए पहले आपसे आपकी सिचुएशन है, हम हारे या जीते, हार गए आप लोग, हाउ यू नो, मैं मुझे सुनाई दे जीत के मुझे बताने फिजूल की जीत सुनाई दे रही है, चोर दीनार चोरी करते हुए पकड़ा गया, बादशाह और मलका चोर को कत्ल करने का हुक्म दे रहे हैं, ओके आप बादशाह हैं, ये मलका है, वो चोर है, वो चोरी करते हुए पकड़े गए हैं,
और आप इनको हुक्म दे रहे हैं वो आपसे करे नहीं 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 अभी अभी तो मैंने मैं तो अभी शादी भी नहीं हुई है यू नो कुछ भी कोई भी आप सिचुएशन बना सकते हैं फनी सिचुएशन आइए तीनों मैं चोर बन जाऊं अच्छा आपका एटीट्यूड फुल मलका और बादशाह वाला होगा जैसे होते हैं बादशाह वही टोन होगी वही तरह की डायलॉग डिलीवरी होगी आइए चोर हम चोर हो जाएं सिद्रा आपको मलका बना रहा हूँ आपने चोर बनना है आपने आप चोर बन जाए आइए एक मिनट बात कर लूँ इनसे बिल्कुल कीजिए आप मलका बन जाइए आइए जो अच्छा करेगा वो कर ले तीन पॉइंट का गेम है चलिए जी मलका आलिया बादशाह ये आए चोर मलका से डायरेक्ट चोर रेडी है आप डेढ़ मिनट का टाइम है आप लोग रेडी हैं दो ना ये दिनार है आप क्या ले गई आप ये वो ये दिनार चोरी किया आपने ऐसे ना आप इधर आ जाइए रेडी गो आप चोरी करते हुए पकड़ी गई हैं आपको पता है कि जो केस यहाँ मेरे महल में आता है वो चोर के मैं आत काट देता हूँ तो आपने ये चोरी कैसे की आपने आप मैं बादशाह हूँ आपने समझो इतनी प्यारी चोर और क्या क्या चोरी कर सकती है इस बादशाह का दिल सिर्फ मलका के पास है नहीं सकते ये बादशाह नहीं पिघलता है सुने मैंने सिर्फ ये चोरी किया है उससे क्या मिलेगा मैं आपके लोग क्या क्या ले लेते हैं मैं अभी गुलाम को कम देख के आपके आत काट सकता हूँ आपको पता है आपने चोरी कैसे की चोरी करने से पहले आपने सोचा नहीं पर आप हमारे पास आती बादशाह सलामत से मांगती वो आपको ऐसे ही पेश कर देते आपको चोरी करने की क्या जरूरत है सोने की ढेर लगा देता आपके सामने हाँ आपकी खातिर लेकिन बादशाह को शादियां करने का हक होता है ना आपने चोरी कर ली आप एक कुकम कर ली थी आप ऐसे हो कि आप चोरी आप दिखती भी नहीं है फिर भी मैं आपके हाथ कटवा सकता हूँ आपको पता मेरे हार्ट पर क्यों चल रहे हो तुम मैं ये होने नहीं दे सकता इस तरह चोरी नाइंसाफी मैं इतराफ कर लेंगी मैं छोड़ूंगा नहीं आप मलका आप क्या कहती हैं मैं चाहती हूँ ये अपनी गलती की माफी मांग ले तो हम इन्हें बख्श देंगे अदरवाइज हम इनकी जान इतनी प्यारी सी है दिल भी नहीं होता अभी क्या करे काट दे आपका दिल आ गया इन पर तो फिर इतने चोट तोड़े से दिनारों के लिए आप इतनी बहस क्यों कर अभी मेरा दिल थोड़ा बहुत कमजोर हो रहा है इसके हाथ में कैसे मतलब चलिए जी नेक्स्ट देखता हूँ कि आप लोगों की सिचुएशन क्या निकलती है अब्दुल बासित तुबा अच्छा जी तीन पॉइंट्स का गेम है ये शरारती बच्चा 10,000 रुपए ईदी मांगते हुए इसको ईदी चाहिए 500, 1,000, 2,000, 3,000 नहीं 10,000 रुपए चाहिए इसको ईदी आइए भाई बच्चा कौन बनेगा बासित है ना बासित बच्चे हैं ये इनकी अम्मी हैं ये अब्बू हैं अब्बू बाद में आएंगे थोड़ी देर के बाद पहले अम्मी से लड़ रहा है 10,000 रुपए ही थी यहाँ ये आ गया ये अब्बू हो सकते हैं आपके इधर आओ तुबा बन जाते हैं कहती हो तो तुबा रेडी गो शरारती बच्चे अम्मी अम्मी मुझे ईदी चाहिए मैं क्यों दूं तुम्हें ईदी अम्मी हो मेरी पैदा की बस छोड़ पैसे नहीं है पैसा क्यों क्या नहीं है 10,000 रुपए चाहिए लिपस्टिक के लिए अपने तुम्हारी शक्ल है 10,000 की 2 रुपए की तुम्हारी शक्ल अपने गंदे मुंह पे मेकअप तोपती हो उस टाइम पैसे हैं उसके लिए मेरे पास बहुत पैसे हैं अब्बू ये मुझे ईदी नहीं दे रही पहले मम्मी से तो मांग ले सकता बेटा भाई मैं नहीं दे रही मैं नहीं दे रही कर ले यार मम्मी सामने जिद का मौका ही नहीं छोड़ रही जवाब कर रही है नहीं दे रही तुम कहां पैसे खर्च देती हो सारे बच्चों की दे रही थी मेकअप पे पैसे मैंने अपने आप को भी तो खूबसूरत बना रहा है ना बेटा प्यारा बच्चा तुम्हारा दोस्त को ही दी मेकअप का वैसे कुछ खास असर नहीं हुआ ये कहां से प्यारा है बेगम देखो हर जगह से गौर से देखो अम्मी पे मेकअप का फर्क ही नहीं पड़ा आप कर करके आपने उसका हशर बुरा कर दिया बेटा मम्मी से पैसे मांगो जाओ ईदी मांगो अम्मी मुझे नहीं दे रही बेटा थोड़ा रो मैं नहीं दे रही थोड़ा रो लो बदमाशी क्यों कर रही अम्मी बदमाशी क्यों कर रही क्यों चाहिए तुम्हें मैं नहीं दे रही तुम्हें तो चलो जाके सो जाओ अपने कमरे में मम्मी सोना नहीं है ईद को कौन सोता है हर वक्त मांगते रहते हो मंगता बच्चा नहीं हूं मैं आपका बेटा हूं तो मैं क्या करूं सर पे बिठा लूं तुम्हें सर पे बैठ जाऊंगा अब दस जाएंगी जमीन में मैं तुम्हें फिर भी पैसे नहीं दूंगी अबू समझा ले आप इसको बेगम दे दो आप खुद कुछ बोले भाई मैं आपका भाई नहीं वैसे भी इसको इतना शरारती कर दिया बच्चा है प्यार करता है तुमसे नहीं दे दो नहीं आप दे दे चले आप दे निकालो अपनी जेब से पैसे दो ना यार अम्मी निकल 20,000 का लिपस्टिक लिया है 20,000 का लिपस्टिक लिया है इन्होंने 20,000 का लिपस्टिक ये कौन सा लिपस्टिक इतनी फजूल खर्ची करती हो तुम टाइम अप गाइस चलिए जी डिसाइड करेगी मेरी टीम की ये 3 पॉइंट्स आज किसके साथ जाने चाहिए जी अप्पी कोयटा कोयटा बोल रेक वोट अच्छा था कोयटा में
अच्छा जी मसूद की जगह जो भाई आया आज शहजाद फैजान फैजान जी आपको किसकी एक्टिंग अच्छी लाहौर और जी वन वोट चला गया लाहौर के साथ इसी तरह एक वोट गया है कोयटा के साथ जी लकी लाहौर लेपर्ड्स लाहौर तो कोयटा वन गुरिया दे रहे हो ना नहीं दो कोयटा कोयटा दो लाहौर दो अच्छा तो कोयटा में कोयटा कोयटा तीन लाहौर दो जॉन बना कोयटा चार लाहौर दो इस तरह ये तीन पॉइंट जाएंगे कोयटा बुल्स के साथ थैंक यू अच्छा जी जी दोनों ने बहुत बड़ा परफॉर्म किया हां वैसे दोनों ने बिल्कुल माठा परफॉर्म लेकिन एक और चीज उनकी सिचुएशन मुश्किल थी हमारी सिचुएशन फिर आसान थी तुम बच्चा बहुत ज्यादा अच्छे बन सकते थे ये बहुत अच्छा बच्चा ये वैसे ही बहुत अच्छा बच्चा ये हमेशा बात आ जाता है आपकी शक्ल पे लिपस्टिक अच्छी नहीं लगती ये कोई शक्ल है लिपस्टिक की ये कोई शक्ल है पैसों वाली इमेजिन नहीं करता कहीं ये कुछ बोलते ही इसके अलावा बोल ही नहीं सकता ये कुछ लड़े होते इसकी शक्ल उसकी शक्ल चलो भाई खैर तीन पॉइंट गए आपके साथ 10 पॉइंट पे कोयटा बोल 18 पॉइंट पे लाहौर लेपर्ड्स जी दानिश आंखों की ठंडक के लिए स्कोर दिखा दो ना आंखों दिखा दे भाई इनकी आंखों की ठंडक दिखाइए स्कोर इस वक्त कितना स्कोर हो गया कोयटा का जल्दी से दिखाइए जी दिखाएं क्या हुआ हमारे साथ जी आगे 18-10 आगे 10 पॉइंट्स हो गए गाइस 18 पे आप लोग हैं दोबारा दिखाना यार 18 पे आप लोग हैं 10 पॉइंट्स हैं कोयटा के 8 पॉइंट्स का डिफरेंस है अभी एक मिनट मैं मुझे दोबारा दिखाइए 10 पॉइंट कैसे यार दिखाइए बस हमें मजा सात के बाद ये तीन पॉइंट्स का गेम था मैंने पहले बताया था इसलिए 10 पॉइंट्स हैं कोयटा के 18 पॉइंट्स पे लाहौर पहले बताया था ना बात सुने वो यार वो हमने यार पर वो बच्चे की क्या आवाज थी भाई हमने जो डब कराई थी यार एक मिनट एक मिनट दानिश एक मिनट नहीं पहले तो बता एक सेकंड हाँ एक सेकंड एक मिनट गेम जी 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 एक आ गया रोक दिया सब रोक दिया मैंने बात ये है कि हर दफा इसके दो पॉइंट होते हैं आज तीन क्यों हो गए यार मैंने आपको पहले से बताया मैंने पहले से बताया दोनों टीम्स को अगर आप लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं आपने खुद कहा इनकी सिचुएशन ज्यादा अच्छी थी वो तो मैंने मुरब्बत पे कह दिया यार नहीं, 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 मेरी टीम ज्यादा अच्छी है अब से कुछ ही बात है अब हम वापस आ रहे हैं नहीं ऐसे क्यों हुआ तो फिर आप नहीं यार अब बर्दाश्त आपको क्या लगता है अब इसमें भी ये बोलेगा कि चीटिंग हुई है कि कहां तेल फेंका बता दिखा दे ये एक मिनट ये इत्तेफाक की बात है ये बच्चा सबसे ज्यादा जो है लाहौर लेपर्ड जब आते हैं जब ही रोता है ऐसा क्यों हो रहा है इसका बच्चा है पता नहीं कौन ले आया कौन वाहियात बच्चा है ये कौन लेकर आया बच्चा यही आके चीखे मार रहा होता है नहीं नहीं बच्चा बड़ा हो गया अभी कीवर्ड बजाना शुरू कर दिया लो भाई नेक्स्ट गेम जल्दी से ओके जी ये बहुत आप लोग नेक्स्ट गेम है जी आपकी आंखों में पट्टी बांधी जाएगी एक प्लेयर की आंख पे उस प्लेयर ने बॉल फेंकनी होगी दूसरे प्लेयर ने कैच पकड़ना होगा याद रहे ये दो प्लेयर्स का गेम है इसलिए इसके भी दो पॉइंट से जाग जाओ मौका मिला है 10 पॉइंट हो गए गाइस चलो कैप्टन खेल सकते हैं कैप्टन नहीं दो प्लेयर्स खेलेंगे ये दो प्लेयर्स ही खेलेंगे अगर कैप्टन कैच पकड़ना चाहे तो पकड़ सकते हैं अगर आप चाहें कैप्टन बॉल नहीं फेंकेगा क्या आंखों में पट्टी बांध के आप फेंकेंगे मतीरा फेंक रही है ना फेंक सकते हैं बिल्कुल मैं तो बता रही हूं किस तरह होता बिल्कुल फेंक सकते हैं आई एम लाइक अ हेल्पर दो पॉइंट्स का गेम है गाइस आइए मतीरा जी बताइए टेल्स टॉस आप लोग जीते हैं पहले आपकी टीम से कोई जाएगा ऐसा आप लोग टॉस हारे हैं आपकी टीम से कौन जाएगा जी आप लोग हार गए कैसे होता है दिखाओ आंखों पे किसने पट्टी बांधनी है कैच कौन पकड़ेगा आप लोग डिसाइड करें आपकी टीम में कौन आएगा आप दोनों खेलोगे आओ रेडी हो जाओ कोई भी रेडी हो जाए जाकर जिसने आंखों में पट्टी बांधनी है क्या करना है आपको पहले आंखों में पट्टी बांधी जाएगी आपने बांधनी है हाँ ये मेरी टीम मुझे जबरदस्ती भेज रही है यार फिर आप बांधेंगे पट्टी उसके बाद आपने बॉल्स को फेंकना होगा जो भी सामने आपका प्लेयर होगा वो बॉल को कैच करेगा सुनो चलिए एग्जैक्टली इस तरह फेंकना है सही है यॉर्कर्स ना मारना तुम लोगों पर से फेंकना है सही है कैच पकड़ना तुम्हारा काम है और जल्दी जल्दी करना और जल्दी जल्दी करना जो भी करना है जी कौन आएगा वहां से आप लोगों में से कौन जाएगा रेडी होने मथीरा जी आप जाएंगी या फिर सितरा जाएगी मैं आप जाइए फिर रेडी हो जाइए इतनी देर में चलिए जी एहसन खुद आएंगे ये गेम खेलने के लिए और देखते हैं एहसन आज यहाँ से अपनी टीम के लिए दो पॉइंट्स जीतते हैं या नहीं ये गेम है ही दो पॉइंट्स का इसलिए अगर कैप्टन खुद भी खेलने आते हैं तो इसका कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है ये दो पॉइंट्स का गेम है और दो पॉइंट्स ही मिलेंगे बस ये फाइनल है फाइनल पीछे 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 आ गया एहसन पीछे आ गया
चलिए बास्केट तो दे दो भाई। सामने कौन जाएगा, सामने कौन जाएगा? बास्केट तो क्या हो गया? चलिए अच्छा एक मिनट, कहाँ खड़े हुए हो बासर, मुझे बताओ। हाँ। क्या इधर फेंकना है? इधर बिल्कुल सही, बस ये फाइनल मार्क। पीछे होना यार, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो भाई। ये देखो ये ऐसे सीधा बासित, बेहतरीन बिल्कुल सही। चलिए रेडी रेडी गो। मुझे तो लगा मैं उल्टे सीधे फेंक रहा हूं। बेहतरीन फेंका आपने, बिल्कुल सही जगह पे। मथिरा जी आप रेडी हैं? रेडी जाइए जल्दी से। चलिए 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 जल्दी से। 30 स्कोर किया एक मिनट के अंदर, वेल डन हसन। जबरदस्त लाहौर लेपर्ड्स, आज लाहौर लेपर्ड्स प्रूव कर रहे हैं हर गेम में कि ये लोग सिर्फ जीतने के लिए आए हैं यहाँ पे। आइए मथिरा आप रेडी है? यहाँ से कौन आप बॉल पकड़ोगे? लाइए जी बास्केट खाली दीजिए वहाँ ले जाके। मथिरा जी जल्दी जल्दी आपने बॉल फेंकना है, इससे आगे नहीं आएंगी आप। एक मिनट रेडी गो। आप जरा देखिए आप कहाँ हैं। ये इनके साथ ये हुआ, ये बॉलिंग कराते कराते ये आ गई थी। नहीं नहीं इट्स वेरी आई थिंक बहुत अच्छा खेला इन्होंने भी जी। मैं देखता हूँ क्या स्कोर किया है। बॉल ही है एग्जैक्ट। नहीं मेरा नहीं ख्याल। नहीं बैंड बज गई, तुम जीत गए। वो भी काउंट 29 है तो 2 पॉइंट जाएंगे लाहौर लेपर्ड्स के साथ और क्वेटा वुल्फ 10 पे ही रहेंगे। 20-10 बहुत आला यार, बहुत जबरदस्त खेल रहे हो आप लोग। लाओ एक और गेम जल्दी से जल्दी से जल्दी 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 ले आइए। गेम क्या है सुनो, आइए। मुझे लगा मैं सीधा फेंक दूंगा। अच्छा ऐसा आपकी टॉस है, चला गया था। हेड इट इज। आप लोग आएंगे पहले या अगर आप लोग चाहें तो खुद भी आ सकते हैं। एक मिनट हम पहले खेलते हैं क्यों? नहीं ना आप कैप्टन के सुनो ना, क्या हो गया कैप्टन के सुनो। उनकी मर्जी मुझे नहीं पता, कैप्टन डिसाइड करेंगे। ये लीजिएगा, आप जैसा बोलेंगे वो होगा कैप्टन। जल्दी बताइए यार हम खेल, आप लोग टॉस जीते हुए फर्क कोई नहीं पड़ेगा हमारे खेल। अच्छा यार ये अब खेलो यार, चलो आइए आप लोग आइए भाई जल्दी से आइए। आप लोगों के पास पूरा एक मिनट है, आपने दोनों तरफ से कप्स को बैलेंस करना है गाइस। आज तूबा बहुत जज्बाती भाई दानिश, आज तो तूबा जो है वो फुल जज्बाती चल रही है। चलिए 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 कम ऑन रेडी रेडी गो। मेरा
रहा है हर करूँ तेरा ही कराना रोगी हूँ तेरा ये मेरा दिल है दीवाना ओ दीवाना ओ दीवाना दिल दीवाना तेरा दीवाना ओ दीवाना ओ दीवाना दिल दीवाना तेरा दीवाना ओ दीवाना मेरी आंखों में तेरे सपने हैं मेरे सपनों में तेरी आंखें टाइम अप और टीके रिस्कोर कर दिया भाई ये वैसे रिकॉर्ड है नहीं तीन तीन है पहले किसी ने कम बहुत कम हुआ बहुत कम हुआ है बहुत कम हुआ है आज तूबा जो है ना वो बहुत जज्बाती हुई चलो भाई तूबा अब तीन स्कोर करना ही करना है आप लोगों ने मीर और क्या नाम है तुम्हारा सिद्रा कह रही मीर और सिद्रा को तो मैं बस आज छोड़ूंगी दिखाना चाहती हूँ कि अच्छा एक मिनट बहुत अच्छे दोस्त वापस वापस कब वापस कब वापस रेडी गो मेरे सपनों में तेरी आंखें हैं जिक्र है तेरा लबों पे मेरे दर्द है मेरा जिक्र में तेरे सुन ले मेरी जान दिल जख्मी का फसाना देखो ना मेरी जाना मैं कैसा दीवाना ताने मुझे देता है सारा ये जमाना जो कि तेरा ये मेरा दिल है दीवाना आज भी इनसे नहीं हुआ ये मैं बोले थे पहले हम खेलते इस तरह ये दो पॉइंट जाएंगे क्वेटा वुल्फ्स के साथ पॉइंट सेवन दिखाइएगा मुझे जल्दी से जी और अवाम 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 वो भी बताता हूँ आपको अभी पहले पॉइंट सेवन दिखाइए 12-20 बहुत अलग गाइस बट तुम लोगों ने अच्छा वापस आए हो बेहतरीन अब टाइम है सोशल मीडिया स्टैट्स मुझे दिखाइए आज किस टीम को फैंस ने सबसे ज्यादा वोट किए हैं मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं जल्दी से बताइए आज गाइस ये दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये लाहौर के पास होंगे बस ये बता रहा हूं मैं ये पॉइंट्स क्योंकि मुझे पता है क्वेटा के पास भी हो सकते हैं लाहौर के पास भी हो सकते हैं क्वेटा सोशल मीडिया पे बहुत स्ट्रांग है जहां आप लोग स्ट्रांग है वहां ये वाइट टीम है आप दोनों जो 50-50% पे रहती है हमेशा आइए देखते हैं दिखाइए हमने आपको जीतने भी दिया नेक टू नेक होगा अगर होगा तो मुकाबला अच्छा 50.60 क्वेटा वुल्फ्स 49.39 लाहौर लेपर्ड्स मैंने कहा था नेक टू नेक होगा बेहतरीन थोड़े से फैन ज्यादा निकले आप लोगों के और आज आपको दो पॉइंट्स का तोहफा देकर गए क्या बात है 14 points, 20 points अब खेलेंगे आज के दूसरे सेमीफाइनल का गेम चेंजर उसमें कितना होगा 10 points है सेमीफाइनल और फाइनल के गेम चेंजर्स के 10 points का है गेम चेंजर ओके एक मिनट अगर हमको 10 points मिल गया आप हार गए 10 points का है तो इसका मतलब है ये तो जीत सकते हैं बिल्कुल जीत सकते हैं जी और क्या कल भी ऐसे ही हुआ था अगर हम कमबैक नहीं करते तो हार तो मैं और मेरी टीम बस ऐसे खुश हो रही थी कि हम जीत चुके हैं अगर 10 points का डिफरेंस रह जाता अगर रह जाता तो फिर तो ये कुछ नहीं कर सकते थे। के लिए अब बताओ और अगर अंडे पर ही बैठे हुए होते ना तो आप लोग जीत जाते हाँ अगर ऐसा होता तो आज मुझे लग भी यही रहता कि आप लोग वन साइडेड मार दोगे ने गेम चेंजर की नौबत ही नहीं आएगी लेकिन बहुत अच्छा कमबैक किया फाइट किए इन लोगों ने 14 points पर आ गए अब गेम चेंजर डिसाइड करेगा कि आप दोनों में से कल फाइनल कौन खेल रहा है ऑल द बेस्ट गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का गेम चेंजर अच्छा जी एक चीज और विनर के साथ जहां पर 10 लाख रुपए जाते हैं जहां पर हमारी बाइक्स जाती हैं वहां पर IHIG हैपली की जानिब से 90,000 का पैकेज भी जाएगा बूरबन और बालाकोट के लिए जाइएगा घूम कर आइएगा IHIG हैपली पाकिस्तान नंबर 1 वेकेशन ओनरशिप कंपनी है
और रनर्स अप के साथ आज फेस फ्रेश क्लींजर क्रीम की तरफ से बाइक जाएगी, झाइयों का मुकम्मल खात्मा, क्योंकि जो फेस फ्रेश वही ब्यूटीफुल। आइए जी शुरू करते हैं आज का गेम चेंजर। एहसन, खुद खेलेंगे या इन्हें खिलाएंगे? याद रखिएगा एक बात, ये लोग बाहर बैठ कर भी जीत जाते हैं, दो बार मैंने देखा ये। इन्होंने सामने वालों को मौका दिया कि आप लोग खेलें और खुद बाहर बैठ कर जीत गए। नहीं नहीं, ये आज हारे, खेलने दो क्या? तो लीग से बाहर हो गए। क्या होती रहा? आप लोग खेलो ना। क्या मतलब हम खेलो? खेलो खेलो। नहीं समझा नहीं मैं, मतलब खेलो वो चाह रही है गेम चेंजर, आप लोग खेले तो यही कहना चाह रही है। मतलब क्या मतलब बंदा ये बोल ही सकता था कि सोच कर आपको दे रहे हैं, मतलब ये देखो ओ मतलब इतनी गुड टू सी, कितना साफ है तुम्हारे दिल हमारे खातिर। नहीं क्या चाह रही हो तुम, चाह क्या रही हो? मेरी चाहत पर नहीं आओ, छोड़ो। चलिए जी आइए देखते हैं बहुत बच्चों, लाहौर लेपर्ड्स आज कौन सा ब्रीफकेस बनवाते हैं अपने लिए, बताइए गाइस। क्या करें, उनको खेले दें, खुद खेले हम? हाँ माइक में बोल रहे, खुद खेलेंगे यार ये दोनों तो आज। अच्छा एक चीज समझाता हूँ तुम्हें, खुद खेलने में रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, क्योंकि जो सामने वाली टीम है उसके पास चार ऑप्शन है, जो खुद खेल रहे हैं उसके पास एक ऑप्शन है। यहाँ बड़ा ब्रीफकेस खुला, वहीं आप लोग आउट। खैर आपकी मर्जी है, आप लोग जैसा बोलेंगे, पावर्स आपके पास है, पॉइंट्स आपके पास है, वही हो जाएगा। आप चाहेंगे खुद खेलें, खुद आप खुद खेल सकते हैं, आप चाहेंगे सामने वाली टीम खेले वो खेल लेगी, बताइए। खुद खेलेंगे, खुद खेलेंगे। बेहतरीन, शुरू करते हैं आज का गेम चेंजर। एहसन बताइए सबसे पहले कौन सा ब्रीफकेस लाऊं आपकी टीम के लिए? हाँ जी यही बोलेंगे ये, आज तो मुझे बोले, इन्होंने कहा आप जरा बैठ जाएं। अच्छा चलिए फिर आज टीम बोलती है, बोलिए। ये देखो खुद ही कोई मिली भगत चल रही कहानी, लेकिन यार बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हां दे वर वेरी गुड, मैंने तो आज खेला ही नहीं, और मुझे इतनी हंसी आई आज, आपको जरूरत नहीं पड़ी वैसे, खेला ही नहीं गेम। ये लोमड़ियां बनकर अगर चपेट खा ले क्या? हां जी बताइए। ठीक है जी, इन्होंने कहा तीन चाहिए, नंबर 3, नंबर 3 चाहिए, लाइए भाई नंबर 3 लेकर आइए। तूबा ने कहा है नंबर 3, और इसमें बासित भी शामिल है कि नंबर 3 लेकर आया जाए, और नंबर 3 अब आप लोगों की कस्टडी में है। जनाब मतीरा जी आपके पास कौन सा ब्रीफ केस होना चाहिए? 2 लाइए नंबर 2। अच्छा एक चीज दानिश जी, लोगों से प्लीज आज मैं चाहता हूँ कि जो लोग हमें देख रहे हैं, बिल्कुल आज आप खुद कहिए शुरुआत है। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि अगर ये जो लोग आज बोले, आज एक्चुअली हम यहाँ पे दिखाएंगे कि कौन क्या बोल रहा है, कौन सा नंबर है जो वो चाहते हैं हम खोलें। So, मैं अपनी टीम के साथ मिलकर ये चाहूंगा कि हम मैक्सिमम कोशिश करें कि उनको फॉलो करें, कि आप लोग भी आज एहसन और इनकी टीम के साथ मिलकर गेम चेंजर खेलेंगे। जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पे वो भी, और जो हमें चैनल पे देख रहे हैं वो भी, वो हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। शो बेसिकली जो हमारे लोग हैं उनके लिए, लोगों के लिए, मैं चाहता हूं वो भी साथ शामिल हो। बिल्कुल बिल्कुल वो साथ है हमारे। अगर उन लोगों ने गलत नंबर दे दिया, कोई बात नहीं, अगर मेरे फैंस सेमीफाइनल में आप नहीं होंगे, नहीं होंगे तो आप फैंस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं सबकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में। चलिए कोई बात, देखिए अभी आप लोगों ने डिसाइड किया, नंबर 3 आपके पास जाएगा। मथिरा जी आपके पास गया 2, सिद्रा आपकी बारी है। नंबर 5 लाइए और सिद्रा को दीजिए। मीर नंबर 1 लाओ भाई, नंबर 1 जाएगा मीर के पास। और ये नंबर 4 जो इस वॉल पे रह गया, ये मेरा ब्रीफकेस। अच्छा बस ये ख्याल, मैं इन दोनों को ये बता रहा हूँ कि ये ख्याल रहे कि अगर 10 पॉइंट्स है आज, ये थोड़ा चेंज मुझे बिल्कुल मेरे ज़हन में नहीं रहा। सही है। इफ दे ओपन द राइट ब्रीफकेस तो दे विल विन, राइट? यस, एब्सोल्युटली। ऑफ कोर्स। अच्छा। हम हारने के लिए थोड़ी बचे हैं। आज ये बहुत ये गेम यार यार और ये इनकी स्ट्रेटजी है। एक तो सुकून नहीं है, हर वक्त टेंशन रहती है इस गेम में यार, 2 घंटे के लिए टेंशन रहती है। नहीं आप सुकून कर रहे हैं, 1 मिनट सुकून चाहिए आपको? हां हां हां, कौन सा खोलूं? सिंपल आप हार जाएं। नहीं इतना भी सुकून नहीं चाहिए आप मेरे, 1 मिनट आप ऐसे करें, हारना होता तो घर पे। आवाम की नहीं, आप मेरी सुने, जो मैं बोलूंगी वो आप बोले, मैं भी एक आवाम हूं। आम मतीरा आवाम बोले, मैं भी एक आवाम हूं, मैं भी आवाम हूँ, मैं भी फैन हूँ। ऐसी आप फैन के फैन की बात करें, इधर एक करीब इस वक्त तुम दूसरी टीम में हो। अच्छा चलो एक काम करते हैं, एक काम, क्या जो नंबर तुम लोग बोलोगे मैं वही खुलवाऊंगा यहाँ पे, ये बस बताओ ये जो नंबर पहला, चलो पहला नंबर जो बोलोगे। वेरी नाइस, चलिए जी पहला नंबर उन्होंने आपको बोला, आप खुलवा दीजिए। दानिश का ब्रेक बताइए सिद्रा, नंबर दैट यू विल से मतीरा, पहली रिक्वेस्ट आप लोग
जो मैं बोलूंगी वो आप लोग करेंगे राइट हाँ नंबर नहीं स्वॉप करो स्वॉप करें हाँ स्वॉप करें जी दे दो ओके फाइन ये वापस नहीं जाएगा नहीं ये क्यों मेरी मर्जी आपने हाँ बोला है ये वापस अब नहीं जाएगा ये लो स्वॉप हो गया ये स्वॉप आपने किया मैंने ऐसन ने नहीं किया मैंने मतीरा की मर्जी से किया स्वॉप हो गया अब ये नहीं जाएगा हाँ देखिए वो आपकी मर्जी से नहीं हुआ आपकी मर्जी से हुआ इनकी मर्जी से नहीं हुआ एक मिनट मतीरा ने बोला मैंने ये बोला सुनो बात सुनो मैंने ये बोला कि पहला नंबर मतीरा खुलवाएगी एनी नंबर दैट शी सेज वो खुलेगा ठीक है थोड़ा ये कि मैं चाह रहा हूँ कि ये लोग भी इन्वॉल्व हों अच्छा अब उससे बोला कि नंबर स्वॉप कर लो मैंने तुम लोगों से बगैर पूछे स्वॉप कर लिया ये अब तीन नंबर उनका हो गया दो आपका है अब ये वापस नहीं आ सकता ये खुद करते मुझे मेरा दोनों वापस दोनों में से जो लेना उठा लो जो दोनों में से जो चाहिए नहीं नहीं ये ले क्या आप एक चीज डिसाइड कर लो क्या करना है ये खोलना है ये खोल रहा है खोल ये चाहती है मुझे नहीं पता ऐसा ना कि 9:45 में गेम खत्म यार मुझे तो बताओ कौन खेल रहा है ये खेल रहा है ये खेल रहा है मिलकर खेल रहे हैं मिलकर खेल रहे हैं जीतेगा कौन ये नहीं पता है no. अच्छा चलिए अब मुझे बताइए ये ब्रीफ केस आपने इनको दे दिया है तो यहाँ क्यों रखा हुआ इसमें बहुत कुछ है ये खोल रहा है यार ये चाहती है हर बात इसकी नहीं सॉरी ये नहीं खुलवाना ये खुलवाना नहीं है मैंने आपकी मर्जी है कैप्टन के पास है सारी पावर आप जो बोलेंगे मैं से वही करूंगा हां तुम्हें वो चाहिए तुम लोगों को वो चाहिए था 3 अभी आएगा अभी देखते हैं अभी हमने ये रख लिया तो आप बताइए पहला ब्रीफकेस कौन सा गाइस हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है ऐसा 3 मिनट है हमारे पास 3 मिनट है 3 मिनट है ब्रीफकेस नंबर 1 वापस 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 जल्दी से कौन सा ब्रीफकेस नंबर 1 में कुछ नहीं है 1 नंबर 1 खोलो नंबर 1 में कुछ नहीं है किसने कहा आपको कैसे पता किसने कहा ये किसने कहा छोटा नंबर होगा पक्की बात है क्या नंबर 1 मंगवा लूं नहीं नहीं वेट जाओ भाई नंबर 1 लेकर आज मीर वैसे भी बहुत डाउन है और थका हुआ भी है तो इसलिए कुछ हाय अल्लाह आपको इनकी थकन का आपको इनकी बड़ी फिक्र हो रही है हां इससे तरह की फिक्र आपको पता है ये गेम बिलाल भी देख रहा होगा क्या आप भाई जिन्होंने इसको थकाया बोला कि तूबा बिल्कुल डॉल लग रही है बेबी है और आपके बाल कितने अच्छे हैं फुल ना फ्लर्टिंग कर रहा था कौन बिलाल कल सारे जंजीर तो बात होगी बिलाल ये मैं लाइव पूछूंगा जरा आने दो बिलाल को अगर बिलाल ने ये बोला तो खैर तूबा जी मजाक अपनी जगह ये 10 पॉइंट्स का गेम है आपकी टीम ने मुझसे कहा है कि पहले मैं ब्रीफकेस नंबर 1 ओपन कर दूं अगर मैं ये ओपन करता हूं इसमें 10,00,000 रुपए निकल आते हैं तो आप लोग हार जाएंगे पक्का अब्दुल बासित नंबर 1 ओपन कर दूंगा टाइम भी खत्म होने वाला है पक्का आइए एहसान साहब नंबर 1 ओपन कर दूं फिर सोच लो कर दें हां हां ये तूबा के कहने पे एक मिनट यार दारिश एक सेकंड एक कॉल ले रहा आप लोग फाइनल कॉल देंगे तो तूबा ने गाइस मैं छोटी रकम है तूबा पक्की बात है ये ऐसा ना हो कि छोटी के बजाय सबसे बड़ी रकम हो आज तुम लोगों को बाहर कर दे बहुत अच्छा खेले हो हम जब भी पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेले हो तुम लोग जाओगे मुझे सबसे ज्यादा अफसोस होगा खैर अब तुम्हारी मर्जी तो हम चले जाए आपको अफसोस नहीं होगा आपने कौन सा अच्छा खेला है आज का गेम अफसोस नहीं होगा अफसोस क्यों नहीं होगा लेकिन ज्यादा अफसोस वहाँ होगा वो टीम बहुत अच्छा खेली है पूरा लीग हमारी टीम तो आया नहीं अच्छा आज का गेम इन लोगों ने अच्छा खेला मानने वाली बात है वापिस भी आए ना अंडे में थोड़ी बैठे फिर भी कहा 20 पॉइंट्स है कहां पर आपके सेमीफाइनल्स भी तो थे हम लोग मेहनत करते आए थे मैं ये कह ही नहीं रहा कि आप लोगों ने मेहनत मैंने कहा आज का पर्टिकुलर मैच इन लोगों ने अच्छा खेला है ठीक है किस्मत अभी भी खत्म नहीं हुआ किस्मत है आप बोलेंगी नंबर 1 तो मैं ओपन करूंगा नंबर 1 पक्का एहसान फाइनल कॉल आपकी टाइम खत्म नंबर 1 आइए जी आइए मैं बताता हूं नंबर 1 ओपन करने के बाद आप लोग आगे खेल सकेंगे या नहीं ये किसके कहने पे ओपन कराया आपने तूबा आपको खुद ही ये लगा कि नंबर 1 ओपन कराना चाहिए मीर को देख के आपको एहसान की सजेशन लेनी चाहिए थी प्यार अंधा होता मैंने आपसे कहा कि आप लोग बहुत अच्छा खेले हैं एक गलत फैसला घर ले जाएगा अगर किस्मत ने यहाँ साथ छोड़ दिया तो कभी वापस नहीं आ पाओगे आप लोग फाइनल के अंदर सही बता बतीरा और आज शायद वही होगी आप लोगों के साथ टुशुम 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 फायरिंग चल रही है एक नंबर ब्रीफकेस जो मीर ने मंगाया था
तूबा को ये लगा कि शायद मीर जो है वो थोड़े से डाउन है, इसलिए इनका ब्रीफ केस भी होगा डाउन। लेकिन तूबा आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। 9 लाख रुपए। हेलो दानिश, हमने पोटली में कितने हमने कमाए थे उससे उधार लेकर इसमें डालकर 10 लाख बना लिए। 1 लाख रुपए से रह गए। 9 लाख रुपए निकले, अगर 10 लाख रुपए निकल जाते आज आप लोग घर चले जाते। बी केयरफुल गाइस, सबसे बड़ा गेम है, 10 पॉइंट्स है, जीते नहीं हो तुम लोग अभी। नहीं ना, फिर भी निकला तो नहीं ना। हाँ, निकल जाता, 1 लाख रुपए से बच गए तुम लोग। बताइए नेक्स्ट कौन सा ब्रीफ केस खोला जाए। मुझे वो दे दो ना प्लीज। एसन सोच रहा है कुछ, एसन कॉल देंगे मुझे। कौन सा? पांच और चार। चार नहीं खोलना। चार दो तीन। चार नहीं, चार में बहुत बार जीतते हैं हम लोग। चार से दो दफा पांच में कुछ लग रहा है, है? पांच में सबसे ज्यादा 10 लाख रुपए निकले। चार तो मैं दोनों में लगता नहीं है कुछ। पांच और चार में इस लीग में सबसे ज्यादा 10 लाख रुपए। टैलेंट टाइप लड़की है, पता नहीं आज क्या होगा, मुझे नहीं पता। ये पांच नंबर में लेकर आ गया हूँ, इसमें अगर 10 लाख रुपए का अमाउंट निकल गया लाहौर लेपर्ड्स लीग से बाहर हो जाएगी। ओपन कर दूं? पक्का अब्दुल बासित कर दूं? एहसन साहब आपसे फाइनल कॉल लेना चाहूंगा, 5 नंबर ओपन करूं या नहीं करूं? कर दें, फिर से पूछो। कर दे और कर दिया। बहुत जोर से लगी। माना कि तुम लोगों का स्टार्ट अच्छा नहीं था, माना कि शुरू में तुम लोग टॉस भी हार रहे थे, लेकिन मैंने शुरू में एक बात की थी तुम लोगों से, वो बात ये थी कि किस्मत किसी वक्त भी पलटा खा सकती है। कोई भी इंसान जीतते जीतते हार सकता है और हारते हारते जीत भी सकता है मीर। ये ब्रीफ केस नंबर 5 सिद्रा ने मंगाया था ये सोच के केस में 10 लाख रुपए हैं। और बाज़ुकात जो इंसान सोचता है किस्मत में वही लिखा होता है यार, बताओ जरा। तूबा ने सोचा कि शायद इसमें 10 लाख रुपए नहीं निकलेंगे, यही सोचा था ना? ये सिद्रा का था, यही सोचा था ना कि 10 लाख रुपए नहीं निकलेंगे। और बासित ने भी बोला हाँ हाँ खोल दीजिए, और मैंने खोला ब्रीफ केस नंबर 5। इस तरह आज क्वाइटा वुल्फ्स इस गेम से बाहर नहीं गई है, बाहर नहीं गई है। 3 लाख रुपए हटाइए भाई सर। यार ये इतना तितलियां हो रही है पेट में। आज कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे आज, ऑनेस्टली आज नहीं, प्रेशर ज्यादा हो गया। कल फाइनल है यार, आज आपके प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं वैसे, किस्मत के साथ दे रहे हैं। दानिश भाई एक बात कहना चाहता हूं। जी बताइए। ये जो बैक स्टेज पे जो प्रोड्यूसर्स काम करते हैं, जो लोगों को एंटरटेन करने के लिए इतना मेहनत करते हैं, कल मैंने देखा है इनको ना नींद होता है ना कुछ, और लोगों को एंटरटेन करते हैं, ये लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। जी जी बड़ी बात है जी, शहरों हो गए हमारे बाकी सारे प्रोड्यूसर्स के लिए बेहतरीन, नो डाउट, पूरी टीम के लिए, पूरी टीम इसमें है, सारे लोग इसमें, अली अम्मार फर्स्ट डे कल मैं रहा था, शाज़ेब बिलाल फराज सब लोग हैं, उस्मान अदील हमारे सारे कैमरामैन, मेरी पूरी टीम दिन में 3-3 शोज करती है यार, 2-2 शोज इनके लिए। क्या बात है यार, ये लोग जबरदस्त तालियां इनके लिए यार, सबके लिए वेरी नाइस। चलिए जी तालियां आज आखिर में किसी एक टीम के लिए बजेंगी, मुझे इंतजार है कि वो बहुत हाथ वाली मेरा दिल कर रहा है आज गेम यहीं पे रुक जाए, हम घर जा रहे हैं यार। लेकिन फिर फाइनल कौन खेलेगा? नहीं कोई बात नहीं, फाइनल तो किसी एक टीम में खेलना है, हम आपके चेयर लीडर होंगे। अच्छा ओके, अगर जीते तो बताइए जल्दी से नेक्स्ट ब्रीफ केस कौन सा ओपन किया जाए। नंबर टू खोल दो। फोर नहीं, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है? ये आपको बताने की कोशिश है कि जल्दी है शायद। कौन सा नंबर बोला? कौन सा ब्रीफ केस बोल रहे हैं बताइए। नंबर 4। पक्का? ले आओ सारी बाइस ले आओ। लाओ भाई नंबर 4, आपने कह दिया मुझसे नंबर 4 है, मैं नंबर 4 ही खोलूंगा। लाओ नंबर 4 लेकर आओ। यार मुझे तो लग रहा है हमें भगाने के लिए फेस फ्रेश क्लींजर क्रीम की तरफ से बाइक्स है जी, बाइक है एक जायजों का मुकम्मल खात्मा, क्योंकि जो फेस फ्रेश वही ब्यूटीफुल, साथ साथ बोल बचत वाला की तरफ से 2 बाइक्स है। आई एच आई जी हैपली की तरफ से 90,000 का पैकेज है विनर के लिए, भूरबन बालाकोट जाएंगे आप घूम के आएंगे, और आहान ट्रैवल्स की तरफ से फ्री टिकट्स हैं हमारे पास कराची से लाहौर, लाहौर से कराची। अच्छा जी सोनिक्स का फैन भी है जो विनर के साथ जाएगा।
सिक्स बी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं, एचकेटी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं और रनर्स अप के साथ एएमबी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे, इस्लामाबाद के गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे। एक मिनट दानिश, पाकोला की तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं, फूड बस्ती की तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं, मलका फूड की तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं, स्पेस रेस की बाइक है जो रनर्स अप के साथ जाएगी। और जी एक मिनट यार, आपने कहा चार नंबर नहीं, ये जो यहाँ पे बाइक्स और हर चीज बोल दी गई है ना, ये लग रहा है एंड हो गया, तो शो खत्म हो गया। आपने कहा मुझसे चार नंबर है, मैं चार नंबर ही खोलूंगा, अब जो भी कुछ है इसमें निकल गया। नहीं, ये नहीं खोलते हैं। क्या मतलब, अभी वो दो नंबर बाकी है, वो बोले तीन और, ये मुझे नहीं पता, इन्होंने बोला चार नंबर यहाँ लगा है, मैंने कहा चार नंबर लाके मैं खोल दूंगा। आपने मुझसे कहा चार नंबर लाने को, इन्होंने कहा मुझसे चार नंबर लाने को, ऐसा तो ये क्या मतलब, खत्म हो गया ये शो, ये चार नंबर मैंने देख लिया, नहीं क्या नहीं खोल लिया, ओपन कर लिया हाँ, और ये बाइक्स मंगा के बता दिया गया है कि आज का विनर कौन है और रनर्स अप के साथ क्या क्या जाएगा यार, आप लोगों को ये बताया गया है। तूबा, आपने खुद बोला चार नंबर खुलवाना है यार, तूबा ने बोला मुझे, तूबा ने बोला कि चार नंबर खोला जाएगा, बस तो अब चार नंबर, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, अब क्या फायदा लोगों का, अब क्या चार यार चेंज कर लो अभी, चार नंबर कैसे, नहीं नहीं मैंने खोल के देख लिया चार नंबर, आपने बोला दो बार पूछते हो, इस बार पूछा ही नहीं आपने मुझसे, चार दफा बोला चार नंबर लिया, मैं लिया और मैंने ओपन कर लिया चार नंबर, आप लोगों ने नहीं बोला मुझे हरवाने, नहीं मैंने कोई नहीं हरवाया, आप लोगों को मैंने किसी को नहीं हरवाया, चार नंबर क्यों खोल दिया, अरे आप लोगों ने बोला मुझे चार नंबर खोलने को यार, तूबा तूबा ने बोला मुझे बार बार, खोल दे, खोल तो दिया मैंने, हाँ खोल दिया मैंने, बताओ यार, और यहाँ टाइम अप हो गया है और डिसाइड हुआ है कि आज का विनर कौन है और कल फाइनल खेल के पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इनाम कौन ले जाने वाला है, क्वेटा वुल्व्स। आज का मैच इतना अच्छा नहीं खेले लेकिन किस्मत जिसके साथ होती है वो कितना भी बुरा खेल ले, ये बात मैं आज मान गया हूँ, वो किसी वक्त भी किस्मत के थ्रू पलटा खा के फाइनल में पहुंच सकता है, लेकिन फाइनल में पहुंचा नहीं कोई अभी तक। सुने मैं जा, लेकिन फाइनल में कोई पहुंचा नहीं, जा रही हूं, कहां जा रही है आप, अरे ये हमारे पैसे तो लेके जाए आप, नहीं नहीं पैसे लेके कहां जा रही है, एक्सचेंज कर सकते हैं ना अभी भी, क्यों कर सकते हैं, बचे कितने, दो ही ब्रीफ केस है ना, हां दो ही, बिल्कुल कर सकते हैं आप एक्सचेंज, आपके पास आपकी पावर्स मौजूद है। अच्छा तो मतीरा इतनी कॉन्फिडेंट क्यों, ऐसे खोल के तो नहीं चेक कर लिया, जल्दी बताओ, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, बस ये याद रखिएगा, एक्सचेंज कर ले, एक गलत फैसला घर लेके जाएगा आपको, ये ले, और किस्मत अगर आप लोगों के साथ हुई तो आप लोग जाएंगे फाइनल, भाई अगर देख लिया था जिसने बस उड़ा गेम खत्म, क्या अगर देख लिया था, खोल के देखेगा कोई नहीं, ये मुझे क्यों पकड़ा रही बार बार तीन, ये क्या चक्कर है, आप क्या चाह रही हैं आज, हम कुछ नहीं, हम अब दो इनके पास है, इनको जो खोलना है खोल, आप लोग YouTube पर जो लाइव देख रहे हैं, हमें बहुत सारे लोग लाइव देख रहे हैं, वो कमेंट करके बता सकते हैं कि लाहौर लेपर्ड्स को इन दोनों में से कौन सा ब्रीफकेस अपने पास रखना चाहिए और कौन सा ब्रीफकेस खुलवाना चाहिए, और जो लोग हमें टीवी पे देख रहे हैं इस वक्त लाइव, वो हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि एसएन को क्या करना चाहिए। दो ब्रीफकेसेस रह गए हैं, दो और तीन, इनमें से किसी एक में 10 लाख रुपए है, जिसमें 10 लाख रुपए निकले या तो आज लेपर्ड्स जीतेंगे या आज वुल्व्स जीतेंगे और कल का फाइनल खेलेंगे। अब लोग क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं तीन नंबर ब्रीफकेस में 10 लाख हैं, लेकिन वो तीन नंबर इस वक्त इनकी कस्टडी में है, आपके पास नहीं, आप स्वाप करोगे तो आपके पास आएगा, और आधे लोग कह रहे हैं कि 2 नंबर में, लेकिन ये सब तुक्के मार रहे हैं और लोग बहुत कंफ्यूज हैं आज, हम तो तुक्के ही नहीं मार सकते। मतीरा बताओ किसमें, मतीरा अवाम है, मतीरा बोलेगी मैं वो अवाम, बताओ तुम दोनों कुछ, हमें दूर रखो इस मसलों से, अपनी चीजें अपनी खुद करो, बताइए जी कौन सा ब्रीफकेस स्वाप करना है। अच्छा अब आप क्या कह रहे हैं, नहीं मैंने भी कुछ कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ दोनों खोल लें, मैं ये नहीं, आप मुझे ये बताइए, आपने पहले 2 नंबर अपने पास रख लिया था, मदीरा ने आपको कहा था कि आप अपने पास रख लें, आपको 2 नंबर ही चाहिए या आप स्वाप करना चाहते हैं तीन, बताओ। दो नंबर रखेंगे, आप रखेंगे मतीरा जी, ये आपका ब्रीफ केस अपने पास रखिएगा, सोच लो प्लीज, ये अपने पास रखिएगा, 2 नंबर हम रखेंगे, ये 2 नंबर आपके पास ही है अभी, अच्छा सोच लो, अब आप मुझे ये डिसाइड करके बताइए कि आपने ओपन कौन सा करवाना है, याद रहे अगर आप 2 नंबर ओपन करवाते हैं और इसमें 10 लाख रुपए नहीं निकलते तो ये लोग जीत जाएंगे, अगर 10 लाख रुपए निकल गए तो आप लोग जीत जाएंगे। नंबर 3 ओपन करवाते हैं,
आप जो ब्रीफ केस ओपन करवाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इनका ब्रीफ केस ओपन करवा दिया और इसमें 10 लाख रुपए निकल गए तो ये लोग जीत जाएंगे, क्योंकि ये ब्रीफ केस आपकी कस्टडी में नहीं है। आपका ब्रीफ केस ब्रीफ केस नंबर 2 है। आपको अगर ये ब्रीफ केस नहीं चाहिए, आप स्वैप कराइए पहले। अच्छा एक मिनट, नहीं नहीं हमें यही, तू भाई ये बोल रही हमें ये चाहिए, ओके हमें यही चाहिए, तो हम ये वाला खुलवाएंगे आपका? नहीं ये खुलवाएंगे नहीं, नंबर 3 खुलवाएंगे। अच्छा नंबर 3 खुलवाएंगे। आप खुलवा कोई सा भी लीजिए, आपका ब्रीफ केस है नंबर 2। आप दोनों में से कोई सा भी ब्रीफ केस खुलवा लीजिए, ब्रीफ केस नंबर 2 बिलोंग्स टू यू। अच्छा ये शुरू में मतीरा ने उठाया था? आई एम फजूल में, आई स्वेयर गॉड, क्योंकि मैं बहुत नाराज चल रही थी। तो फिर कौन सा खुलवाएं? I don't know. मतीरा चलो तुम बताओ। वो बात नहीं ना, मैं बताओ ना, हर चीज मैं बता दूं, तुम क्या कर रहे हो? टाइम जा रहा है, टाइम 1 मिनट रह गया हमारे पास। ओके लेट्स गो फॉर नंबर 3 खुलवाते हैं। 1 मिनट रह गया गाइस। ओके नंबर 3 खुलवाते हैं, नंबर 3 खुलवाते हैं, नंबर 3 खुलवाएंगे, हम रखेंगे फिर यही आपका रह जाएगा जी। पक्का? पक्का। ये 3 नंबर अब टीम क्वेटा वुल्व्स का है, याद रहे। तूबा आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं आपसे, वो गिर भी गया ब्रीफ के, सोच गिर गया हाथ से छूट रहा तूबा, मतलब वजन है इसमें, मुझे नहीं पता। ये भी है, पक्की बात है, 10 लाख इसमें तो तभी गिर रहा है। चलिए फिर आपको अगर ऐसा लगता है तो मैं ये ब्रीफ केस नंबर 3 ओपन कर देता हूँ। जी रेडी हैं आप लोग? चलिए इस ब्रीफ केस को ओपन करने से पहले एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि दोनों टीम्स बहुत ही शानदार खेली है, पूरी लीग दोनों टीम्स ने बहुत एफर्ट किया है। आज का जो पर्टिकुलर मैच था ये मैं कहूंगा लाहौर ने अच्छा खेला, लेकिन क्वेटा वुल्व्स वो टीम है जिन्होंने सबसे पहले सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। ये लोग बहुत ब्रिलियंट थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, लेकिन आज ये लोग कुछ थके हुए थे, आई डोंट नो क्या हुआ, बट फिर भी अभी हारे नहीं है, इसकी तबीयत अभी हारे नहीं है, अभी हारे नहीं हो सकता है किस्मत तुम लोगों के साथ हो। अगर किस्मत तुम लोगों के साथ होगी तो कल का फाइनल तुम लोग खेलोगे, और अगर किस्मत आप लोगों के साथ है तो कल का ग्रैंड फाइनल वर्सेस कराची आप लोग खेलेंगे, लेकिन उसके लिए इस ब्रीफ केस में छोटा इनाम निकलना जरूरी है। मैं जल्दी से ओपन करूंगा। अच्छा मैं कुछ कहना चाहता हूं दानिश, मेरे लिए दोनों टीम्स जो हैं ये फाइनलिस्ट हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, सीरियसली बता रहा हूं, कि शायद आप दोनों टीम्स वो हैं जो फाइनल खेलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आप दोनों सेमीफाइनल में टकरा गए, इसलिए किसी एक अच्छी टीम को बाहर जाना ही जाना है। कोई बात, बाहर जाने से याद आया एहसन साहब, मुझे बताइए 3 नंबर ये देख चुका है? नहीं मैंने देखा नहीं है। क्यों कह रहा बाहर जा रहा हूं मैं? मैंने कहा बाहर जाने से मुझे याद आया कि ब्रीफ केस भी ओपन करना है। हाँ। तो आप मुझे बताइए फाइनल कॉल, मैं ये 3 नंबर ओपन कर दूं और किसी एक टीम को बाहर भेजूं या नहीं? बात से तुबा खोल दे, खोल दे यार, आज दोनों ही गेम थी, दे वर प्लेइंग इन अ गुड स्पिरिट यार, मैं चाहता हूं कि इनकी बात मानेंगे। पक्का बासित उधर आ जाओ तुम। और 3 नंबर ओपन करवाया है लाहौर लेपर्ड्स की टीम ने। मैं जल्दी से बताता हूं कि आज कौन सी टीम लीग से बाहर हो गई। हम जा रहे हैं, मुबारक हो आपको आपकी जीत। ओह गॉड यार ये बहुत स्ट्रेस है भाई, एक तो एंजाइटी ऊपर से। अच्छा एक मिनट, और एंजाइटी, एक मिनट अभी चेंज करा सकते हैं अगर हम सोचें तो। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जब कोई बहुत मेहनत करे, पूरा लीग बहुत जबरदस्त खेले और आखिर में आके, बिल्कुल एंड में आके ये जीत गए, किस्मत साथ छोड़ जाए, जीत गए मुझे, ये लोग जीत गए, इस बात का बहुत अफसोस हुआ है। मतीरा जी आप लोग शानदार खेले हैं पूरा लीग, मैं जा रही हूं वहीं पर, ऐसा आपकी टीम बहुत ही जबरदस्त थी अभी तक, थी क्या मतलब थी, लेकिन आप दोनों में से आज एक टीम इस लीग से हमेशा के लिए जा रही है, और वो टीम है लाहौर लेपर्ड्स। आपका सफर शुरू हो गया है, यहाँ से लीग में शुरू हो गया है, शुरू हो गया है, यहीं पे खत्म नहीं हुआ। 10 लाख रुपए ब्रीफकेस नंबर 2 में लेकर आइए क्वेटा वुल्व्स। बैड लक गाइस, आज
आप लोग अच्छा नहीं खेले और किस्मत ने आखिर में आगे साथ छोड़ा है, आप लोग इस लीग से आज बाहर हो गए हैं। कल फाइनल खेला जाएगा, कराची वर्सेस लाहौर, ग्रैंड फाइनल होगा और विनर के साथ सबसे बड़ा इनाम जाएगा पाकिस्तान की हिस्ट्री का, देखना ना भूलिएगा। जल्दी से मैं आपको दिखाता हूं कि 10 लाख रुपए आज इस ब्रीफ केस में थे जो शुरू में स्वाप कर लिया था, आपकी खुद की गलती। खैर, विनर्स के साथ जाएंगे जहां पर हमारी 3 बाइक 10 लाख रुपए, वहीं IHIG हैपली की जानिब से 90,000 का पैकेज जाएगा। भूरबन बालाकोट घूमने जाना तुम लोग, सोलिक्स की तरफ से फैन जाएगा, आहान ट्रेवल्स की तरफ से लाहौर से कराची, कराची से लाहौर के टिकट जाएंगे, 6B की तरफ से हैम्पर्स जाएंगे और क्या क्या है भाई, HKD की तरफ से हैम्पर्स जाएंगे, इस्लामाबाद टी की तरफ से हैम्पर्स जाएंगे और रनर्स अप के साथ फेस फ्रेश की बाइक जाएगी, फेस फ्रेश क्लींजर क्रीम झाइयों का मुकम्मल खात्मा, क्योंकि जो फेस फ्रेश वही ब्यूटीफुल। AMB की तरफ से हैंड फ्रीज जाएंगी, इस्लामाबाद टी, पाकोला फूड बस्ती, ये सब जाएगा आप लोगों के साथ, मलका फूड भी जाएगा। अच्छा जी, मतीरा जी और मीर और सिद्रा, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस लीग में? इस लीग को लेके मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले तो यहाँ के मुझे बहुत नए नए अच्छे अच्छे दोस्त मिले। बिल्कुल, तो इस बात से तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मतलब सब ने मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। तो इस लीग को लेके मेरा एक्सपीरियंस बहुत हाई क्लास रहा, मतलब मैं अगर इस लीग से बाहर भी हूँ इस लीग को मैं कभी भूलूंगा नहीं। क्या बात है, ज़बरदस्त। सिद्रा, कैसा रहा सफ़र? Overall, the journey was very good. और मैं अपने friends को best of luck wish करना चाहूँगी finals के लिए। और हाँ, मैं ये पूछना चाहूँगा, आप तुम लोगों के personal favourites हैं कौन? कराची, लाहौर? Obviously, लाहौर। Okay. माइक नहीं चल रहा तुम्हारा। दूसरा माइक, माइक दीजिएगा उन्हें। जी, क्या कह रहे हैं मीर आप? मेरा फेवरेट टीम है लाहौर और मैं खुश हूँ ये लोग जीत गए क्योंकि ये डिजर्विंग टीम थी। आज इन्होंने बहुत अच्छा खेला। आज हमने अच्छा नहीं खेला लेकिन ये डिजर्विंग टीम थी और मेरा फेवरेट टीम। बड़ी बात है यार, क्वेटा के लिए तालियां होनी चाहिए। जबरदस्त, बेहतरीन। मथीरा जी, आप तो खैर हमारी बोल फैमिली का हिस्सा ही हैं। जी जी जी। आपका एक्सपीरियंस इस लीग को लेकर कैसा रहा? इट वाज नाइस, वंडरफुल एंड बहुत मजा आया एंड कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें जिंदगी में पहली बार होती है और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है आपको हर रोज। लेकिन इसी तरह जी, तुम लोग, सॉरी, मैं तो गो अहेड, गो अहेड, बताइए आप, आपको क्या लगता है कराची बहुत नेक्स्ट लेवल है? मैं आपको बता रही हूं, दोनों टीम टक्कर की है, कल का फाइनल बहुत ही शानदार होने वाला है, मिस ना कीजिएगा क्योंकि ये फाइनल आपको पूरे साल देखने को नहीं मिलेगा। कराची वर्सेस लाहौर और जीतने वाली टीम को मिलेगा पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इनाम कल 7:30 बजे। मैं इंतजार करूंगा आपका, पाकिस्तान अल क्लासिको है कल। कल मिलते हैं, मिलके बोलेंगे मेरे साथ गेम शो चलेगा।